ये चैट की स्क्रीन हमने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा ये शेयर नहीं हुई स्क्रीन ना। अच्छा जी चैट की स्क्रीन हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हम यहाँ से मैसेज भेजते हैं, सर्वर पे पहुँचता है और सर्वर से एक डमी रिस्पॉन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है कि डायलॉग फ्लो का इंट्रोडक्शन लेना था हमें, तो हम ज़रा चलते हैं डायलॉग फ्लो पे। ठीक है तो डायलॉग फ्लो की ये डॉक्यूमेंटेशन में मैं आ गया हूँ और ज़रा सा इंट्रो ले लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये डायलॉग फ्लो के बारे में, वो ज़रा हम देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई डायलॉग फ्लो इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन एंड इंटीग्रेट कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस इनटू योर मोबाइल ऐप, वेब एप्लीकेशन, डिवाइसेस, बॉट, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एंड सो ऑन। यूजिंग डायलॉग फ्लो यू कैन प्रोवाइड न्यू एंड एंगेजिंग वे फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि डायलॉग फ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे नेचुरल लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का प्लेटफॉर्म है। अच्छा ये इसलिए बनाया गया है कि आपके लिए इजी हो जाए क्या करना, डिज़ाइन करना और इंटीग्रेट करना। क्या चीज़? कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस। ठीक है कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस एक नए तरह का इंटरफेस है जो इससे पहले जो ट्रेडिशनल यूज़र इंटरफेसेस थे या कन्वेंशनल कह लें उसको आप जो थे रिवायती, उसमें हम जो यूज़र इंटरफेस बनाते हैं उसमें या तो कीबोर्ड से इंटरेक्ट करता है बंदा, अगर वेब एप्लीकेशंस की बात करें फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं हम या सर्च कुछ क्वेरी लिखते हैं हम, तो लिख के और कीबोर्ड के ज़रिए और हम अपना इनपुट दे रहे होते हैं उसको। अच्छा इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन की या टैबलेट्स की हम बात करें तो टच स्क्रीन उसमें मौजूद है, तो टच स्क्रीन से हम इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं या माउस से कर रहे होते हैं, समटाइम पॉइंटिंग डिवाइस होती है कोई उसके ज़रिए करते हैं। कन्वर्सेशनल इंटरफेस जो है वो एक बिल्कुल नया तरह का इंटरफेस है जिसमें आप कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है जैसे एक आम आदमी से आप बात करते हैं ऐसे आप बात कर रहे होते हैं एक मशीन से, एक सॉफ्टवेयर से। ठीक है मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर आप कह लें कि क्या है, एक एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है एक्सेल की शीट हम बनाते हैं या इसी तरीके से जो और कौन सा सॉफ्टवेयर होता है यार, जैसे इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम माउस कीबोर्ड से उसमें डेटा इंटर करते हैं और माउस से ही क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ठीक है इसी तरीके से जो हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की जो ऐप होती है या फूड पांडा की जो ऐप होती है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है उसके ज़रिए उसके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, तो इस इंटरेक्शन में हम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते। फूड पांडा की ऐप खुलती है सामने लिस्ट आ जाती है, हम उसको देखते हैं और टैप करते हैं, टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से जब हम टैप करते हैं तो फिर मुझे एक फॉर्म दे देता है छोटा सा कि यार अपना एड्रेस इसमें लिखो, आप ऑर्डर जब प्लेस कर रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर लिखो एक्स वाई जेड, तो मुझे फॉर्म दे देता है वो तो वो जो है उसमें कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते हैं, एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ठीक है यहाँ इस नए तरह के यूज़र इंटरफेस में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर से हम बात कर रहे होंगे। अच्छा अब ये कौन कौन सी जगह पे इंटीग्रेट हो जाता है ये कन्वर्सेशनल इंटरफेस जो है, ये कह रहा है कि भाई मोबाइल ऐप में हो जाएगा, ये वेब एप्लीकेशन में हो जाएगा, ये तो दोनों आपको पता है, डिवाइसेस में हो जाएगा। डिवाइस का मतलब है कि कोई भी आईओटी डिवाइस की बात कर रहा है। ठीक है वो कोई एसी भी हो सकता है, वो कोई कार भी हो सकता है, वो कोई हार्डवेयर प्रोजेक्टर, कोई मॉनिटर, कोई भी आईओटी बेस्ड डिवाइस छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो सकती है। ठीक है जैसे कि अलेक्सा की अगर हम बात करें वो एक फिज़िकल डिवाइस है, आप अलेक्सा से बात करते हैं। ठीक है गूगल असिस्टेंट इज़ अ डिवाइस, उससे आप बात करते हैं, उस डिवाइस से बात कर रहे होते हैं। ठीक है जैसे सीरी है ये एक डिवाइस है, इससे डायरेक्ट डिवाइस से बात हो रही होती है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है लेकिन उसके लिए जाहिर है एडिशनल हमें चीज़ चाहिए होगी, डिवाइस बनानी पड़ेगी या डिवाइस ख़रीदनी पड़ेगी, उस पर इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। हम इस कोर्स में मोबाइल ऐप और वेब ऐप वाला जो साइड है ना वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है ये दोनों चीज़ आपको जब समझ आ जाएगी तो बाकी की भी समझ आ जाएगी आपको कि बाकी में होता कैसे, लेकिन हम कवर नहीं करेंगे उसको। अच्छा तो डिवाइसेस हो गया, उसके अलावा बॉट हो गया। ठीक है बॉट ये किसको कह रहे हैं कि कोई भी फिजिकल रोबोट होता है, जो फिजिकल रोबोट्स देखे हैं आपने
फिजिकल बाकायदा रोबोट्स जो होते हैं उसमें भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक फिजिकल रोबोट एक आईओटी डिवाइस ही होती है, ठीक है, लेकिन उसको इन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। या ये उस किस्म के हमें बॉट की बात कर रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट वाले बॉट होते हैं यानी ऑटोमेशन बॉट्स होते हैं, उसके साथ भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ओवर द HTTP एक्सेस होता है, ठीक है, क्यों, ये तो इन्होंने ले मैन के लिए लिखा है ना सारे डिवाइसेस का नाम, तो मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ कि क्योंकि ये ओवर द HTTP एक्सेस होता है, जैसे मेरा एक वेब सर्वर है एक्सप्रेस का, वो ओवर द HTTP एक्सेस होता है, तो मैं उसको मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर दूँ, यानी HTTP रिक्वेस्ट मैं मोबाइल ऐप से भी लगा सकता हूँ। वेब एप्लीकेशन से हम ऑलरेडी लगा के देख चुके हैं एक्सियोस के ज़रिए, IoT डिवाइसेस में भी गेट पोस्ट हम करते हैं जाहिर है सर्वर पे, जब भी वो कनेक्ट होती है, जो कार में ट्रैकर लगा होता है दैट इज़ एन IoT डिवाइस, वो क्या करता है हर थोड़ी देर पे अपना लोकेशन सर्वर को भेज रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है सर्वर पे एक रिक्वेस्ट, ठीक है, उसको इंटरनेट का कनेक्शन भी इसीलिए चाहिए होता है, या तो सिम लगती है उसमें या तो वाईफाई उसको चाहिए होता है, उसके बगैर वो चलता नहीं है। तो ये बॉट या किसी भी किस्म की ऐसी डिवाइस जिससे HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट, जो स्मार्ट AC है वो क्या होते हैं असल में, स्मार्ट AC को वाईफाई चाहिए होता है, जो है ना कि गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है जो AC, तो उसको जब तक वाईफाई नहीं मिलेगा वो गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट नहीं होगा, तो वो वाईफाई, वो फ्रिज या वो AC और गूगल असिस्टेंट की डिवाइस वो सेम नेटवर्क पे होगी जब भी वो कनेक्शन होगा उसका, और फिर अल्टीमेटली उसको हम AC को वाईफाई का पासवर्ड बता देते हैं। तो जब आप वंस वो कनेक्शन पूरा हो जाता है आपका, जब फ्रिज के साथ या AC के साथ, जो गूगल असिस्टेंट वाले हैं आजकल ओरिएंट ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं यहाँ पे, और भी आ गए अब तो सैमसंग वगैरह ने भी कर दिया, तो वंस वो कनेक्शन कंप्लीट होता है तो अपना राउटर जब खोल के देखते हैं तो वहाँ पे कनेक्टेड आ रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि फ्रिज कनेक्टेड है, उसकी IP भी आ रही होती है फ्रिज की, ठीक है। इसी तरीके से जो स्मार्ट बल्ब्स वगैरह हैं और गूगल असिस्टेंट इटसेल्फ जो है, गूगल असिस्टेंट को भी, वो भी एक डिवाइस है, उसको भी वाईफाई का पासवर्ड बताना पड़ता है आपको, ठीक है, जब राउटर खोलते हैं तो गूगल असिस्टेंट कनेक्टेड लिखा हुआ रहा होता है, जो फिजिकल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो बल्ब वगैरह हैं, स्मार्ट बल्ब हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर हैं, अब अभी तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई, स्मार्ट TV हैं जो, तो स्मार्ट TV भी, या क्रोमकास्ट जो यहाँ प्रोजेक्टर के साथ क्रोमकास्ट लगा हुआ है, ये भी एक असल में ये स्मार्ट TV है, ये प्रोजेक्ट, ये जो नया वाला क्रोमकास्ट है ना, इसको कहते हैं क्रोमकास्ट विथ गूगल TV, ये नया वाला जो है, तो ये भी असल में गूगल, तो अभी अब राउटर खोलेंगे तो ये सारे उसमें क्रोमकास्ट नज़र आ रहे होते हैं कनेक्टेड, ठीक है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको इंटरनेट का एक्सेस है और उस डिवाइस से HTTP रिक्वेस्ट की जा सकती है, तो डायलॉग फ्लो उन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बीच में मेरा एक्सप्रेस का सर्वर भी हो सकता है एज अ मिडिल मैन, या डायरेक्ट भी हम डायलॉग फ्लो को बात करा दें, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। ये आमतौर पर हम दरमियान में अपना सर्वर रखते हैं खुद फॉर अ बेटर कंट्रोल, क्योंकि सर्वर एक ही होता है, वो सब जगह से एक्सेस होता है। मेरा वेब सर्वर जो है, जो एक्सप्रेस का सर्वर है, अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं साथ में सर्वर बनाता हूँ, लेकिन कल को मोबाइल ऐप बनेगी ना, तो API सेम होंगी, वो मोबाइल ऐप के लिए सर्वर दूसरा नहीं बनेगा, सर्वर वही रहेगा, ठीक है। तो इस हम सर्वर को आमतौर पर दरमियान में रखते हैं, डायलॉग फ्लो से डायरेक्ट नहीं करवाते, ताकि बेटर कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा, अच्छा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं, कि भाई आप कहीं पर जाते हैं किसी काउंटर पर, उस काउंटर पर आप, कोई बंदा खड़ा होता है रिसेप्शन पर, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ना इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी कुछ जगह पे लगे होते हैं। अच्छा, इस की मिसाल आपको मैं दूंगा मैकडोनल्ड्स, जो मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू है, उसमें ड्राइव थ्रू में जैसे आप गाड़ी लेके दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा उसमें बोर्ड लगा होता है, तो उसमें से तो फिजिकली एक बंदा माइक लेके पीछे से बोल रहा होता है कि हाँ सर क्या ऑर्डर है आपका, तो आप कहते हैं यार वो फला बर्गर कर दो, कहेगा सर कितना, सर ड्रिंक भी कर दूँ, फ्राइज़ भी कर दूँ, आप कहेंगे हाँ ना जो भी, बाकायदा एक स्पीकर होता है उससे वो आवाज़ आ रही होती है। तो इसी तरह से अब जो कुछ ऐसे जैसे POS सिस्टम होता है, POS सिस्टम क्या होता है कि भाई एक प्रिंटर होगा, एक मॉनिटर होगा, एक वो साथ में उसके दराज होगा लॉक वाला, वो पूरा मिला के एक POS सिस्टम होता है। तो आजकल ऐसे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे वो मैकडॉनल्ड में लगा ना, वो तो फिजिकल है, लेकिन ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं कि आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास वो सिस्टम होता है, आप बोलते हैं उससे, बात करते हैं, वो आपको जवाब देता है, ठीक है। अच्छा, वो वॉइस वाले तो बहुत रेयर है अभी, आमतौर पर क्या होता है बटन वाले होते हैं, जैसे आप बैंक में आपने देखा होगा, आप दाखिल होते हैं तो एक छोटी सी मशीन लगी होती है, उस पर कहते हैं अगर कैश काउंटर पर दबाएं तो एक पर्ची निकल जाती है, विड्रॉ दबाएं तो इस तरह के होता है, तो दैट टाइप ऑफ मशीन्स जो है ना, वो भी क्या होती जा रही हैं, वॉइस पे ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। तो उस तरह की मशीन को हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो काउंटर पर लगा हो, ठीक है, वॉइस रिस्पॉन्स आपके घर का डोरबेल भी हो सकता है, कि आपके घर के बाहर कोई आके खड़ा हुआ है तो अब वहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई होगी, अब वो कौन सी होगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आ चुकी हैं ऐसी डिवाइसेस,
तो वो आप उसको बोलेंगे कि यार वो मैं फलां से मिलने आया हूँ। अब वो जो मैं फलां से मिलने आया हूँ आपने बोला है ना, उस नेचुरल लैंग्वेज में बोला है, तो उस नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए, डायलॉग फ्लो वहाँ पे भी आपके काम आ सकता है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये पिच किया है इन्होंने डेफिनेशन में कि भाई ये कर सकते हैं। अच्छा, यूजिंग डायलॉग फ्लो यू कैन प्रोवाइड अ न्यू एंड एंगेजिंग वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट। अब ये एक नया तरीका है। यहाँ पे ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि इसके आने की वजह से पुराना तरीका इररेलीवेंट नहीं हुआ है अभी तक फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पुराना तरीका इररेलीवेंट नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे आप किसी वॉइस सिस्टम से बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम से, तो इसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही गायब हो गया, बंदा होगा। अभी जैसे पेपाल का जो कस्टमर सर्विस है उसको आप कॉल मिलाएंगे तो सामने से बॉट होता है जो आपसे बात करता है बकायदा, वो नहीं वन प्रेस करो टू वो वाला नहीं है, बोलेगा कि यार अपना मसला बताएं आप कहेंगे मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, आई हैव लॉस्ट माई क्रेडिट कार्ड, तो वो आपको उस मेन्यू पे लेके चला जाएगा। वो बोलेगा कि अच्छा भाई आप क्रेडिट कार्ड बंद भी करवा सकते हैं, और आप जो है ना आप क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए ना अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट का चार नंबर बोलें। आप बोलते हैं, वो कहता है कि हाँ भाई मुझे समझ आ गया आपने सही बोला, तो हम ब्लॉक कर रहे हैं आपका क्रेडिट, मतलब बात होती है बकायदा, ठीक है। पेपाल आप लगा के देखें तो अच्छा। तो पॉइंट ये है कि इसके आने की वजह से पुराने तरीके ख़त्म नहीं हो गए। पेपाल में भी एक पॉइंट पर अगर वो नहीं समझ आता उसको, तो वो कहता है कि भाई आप ना किसी भी वक्त बोलें कि कनेक्ट मी टू रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं आपको रियल ह्यूमन से कनेक्ट करा दूँगा, ठीक है। तो वो स्टिल मौजूद है फॉल बैक पर। इसी तरीके से अगर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की ऐप की बात करूँ, तो वो मोबाइल ऐप जो इंस्टॉल करके और आप उस पर क्लिक क्लिक करके, या फूड पांडा की ऐप को इंस्टॉल करके क्लिक क्लिक करके जो ऑर्डर करते हैं, वो इररेलीवेंट नहीं हो गया, वो मौजूद है। ये वाला क्या है, एक न्यू वे जो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एटीएम पे बहुत जल्दी आपको ये तरीका नज़र आना शुरू हो जाएगा। एटीएम पे अभी क्लिक क्लिक होता है ना, टैप टच स्क्रीन है उसमें, उससे आप चलाते हैं या बटन से क्लिक करके दबाते हैं, तो उसमें वॉइस सिस्टम आमतौर पे आपको नज़र आता है, ठीक है। अभी भी आप एटीएम पे जाते हैं तो उसमें वो, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए वो असल में डाला गया है उसमें फ़ीचर, कि जो भी आप बटन प्रेस करते हैं या आप जैसे ही एंटर योर पिन की स्क्रीन आती है तो वो बोलता भी है कि प्लीज़ एंटर योर पिन। जब आप पिन डालते हैं तो प्रोसेसिंग होता है ना, तो वही प्लीज योर ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस ऐसे बोलता भी है वो एटीएम मशीन है। लेकिन सुनने का उसके अंदर केस नहीं है, सुन नहीं सकता एटीएम मशीन ना फिलहाल के लिए, जो हमारे यहाँ पे लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी उसके लिए उन्होंने क्या किया, बटन पे उन्होंने ब्रेल लगाया हुआ होता है, डॉट डॉट होते हैं उठे हुए बटन में, तो वो नहीं सब पे होता है एटीएम मशीन में, तमाम बटन्स पे होता है वो, जितने भी बटन हैं वो असल में कंप्लाइंस है वो, कि भाई आप एक एटीएम मशीन लगा रहे हैं तो आपने वो चीज़ें उसमें फॉलो करनी है कि कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड भी आए तो वो यूज़ कर सके, ठीक है। ह्यूमन राइट वाला चक्कर है वो, तो इसलिए एटीएम मशीन पे अगर आप, मैं दिखाऊंगा और आपको इसी में ही दिखाऊंगा ना, एटीएम मशीन के बटन्स जो होते हैं ये देखो, ठीक है, आमतौर पर ऐसे होते हैं बटन, ये लगा हुआ होता है हर बटन पर होता है ये, ठीक है। कुछ जो होंगे शायद उस पर नहीं भी होता होगा, ठीक है, लेकिन फिर फाइव वाले पे एक पे लगा हुआ है, इसमें भी देखो कैंसिल पे एंटर पे इस पे लगाया हुआ है उन्होंने। वेल जो कंप्लाइंस पूरा कर रहे होंगे ना उन्होंने सब बटनों पे लगाया हुआ होगा। वेल अच्छा, साइड में जो स्क्रीन के साइड पे बटन्स होते हैं उसमें भी ब्रेल होता है, स्क्रीन के साइड में जो बटन्स होते हैं ना वो उस पे भी ब्रेल होता है। यहाँ पे जो ये चार बटन इधर हैं और चार बटन इधर हैं, इस पे भी ब्रेल का जो है ना वो लगा हुआ होता है। वेल अच्छा भाई, तो पुराना वाला भी रहेगा, नया वाला भी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे ज़ाहिर है शिफ्ट होंगे। पुराना वाला शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाए इवेंचुअली, या हो सकता है ना हो, साथ साथ चले, नो वन नोस, वो वक्त बताएगा कि क्या होता है। अच्छा, तो मैं ये पॉइंट बता रहा था कि अभी फूड पांडा का ना वॉइस वाला वर्जन आ जाएगा, ठीक है। पिज़्ज़ा हट का जो वॉइस वाला वर्जन है वो आ जाएगा। जैसे के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक में क्या होता था, आपको अगर डुप्लीकेट बिल चाहिए होता था पहले, तो उनकी ऐप है, उसमें आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके आप वहाँ पे डुप्लीकेट बिल क्लिक करते हैं तो वो लोडिंग लेता है 15-20 सेकंड तक, तसल्ली से, बहुत स्लो डेटाबेस है उनका। फिर आपको बिल वो सामने डिस्प्ले कर देता है पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको सेव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं किसी को, तो पहले ये होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब व्हाट्सएप का एक चैटबॉट है, आप उसको हाई करते हैं तो वो आपको बताता है कि यार ये कर सकते हो आप। अब उसको बोलते हैं डुप्लीकेट बिल दे दो मुझे, पूछता है भाई किस महीने का, करंट मंथ, मैं कहता हूँ करंट मंथ, तो वो मुझे थोड़ी देर में सेंड करता है पीडीएफ एज अ डॉक्यूमेंट, मैं उसको खोल के देख लेता हूँ,
ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐप ख़त्म हो गई। अच्छा, एक बात ये हो गई, ऐप रहेगी, ये भी रहेगा। दूसरी बात ये हो गई कि आम तौर पे अभी जो चल रहा है ट्रेंड, मतलब ट्रेंड या अभी तक जहाँ पे दुनिया पहुँची है, वॉइस वर्जन जो होता है किसी भी ऐप का या कन्वर्जेशनल वर्जन होता है, उसमें तमाम फीचर्स नहीं होते। इसका सेंस नहीं बनता कि तमाम फ़ीचर आप वॉइस पर डाल दें, ठीक है। आमतौर पर यह होता है कि वो फ़ीचर्स जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऐप में, मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बिल का डुप्लीकेट आमतौर पे निकालने ज़्यादातर लोग जाते होंगे उस ऐप में, ठीक। हर महीने मुझे मिसाल के तौर पे बिल आजकल कभी आता है कभी नहीं आता, वो फेंक के जाता है, वो हवा में उड़ जाता है, इधर उधर पता ही नहीं चलता। अब मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि आज 26 हो गया, बिल जनरेट हो चुका है मेरा, ठीक है। वो आएगा 28 तक आएगा गालबन वो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि आज ही 26 को मुझे पता चल जाए कि मेरा बिल क्या है, तो मैं ऐप खोलता हूँ, मुझे दिख जाता है इतना बिल है, और डुप्लीकेट बिल अगर चाहिए मुझे तो मैं वो जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, चैटबॉट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ डुप्लीकेट बिल, मुझे भेज देता है डुप्लीकेट बिल। इसी तरीके से मुझे कंप्लेन फाइल करनी है, अगर अचानक लाइट चली गई जल्दी से मुझे कंप्लेन करनी है, तो मैं वो व्हाट्सएप से कर सकता हूँ। लेकिन कुछ दूसरे फीचर्स जैसे कि लोड शेडिंग का स्केजुअल वगैरह है, मेंटेनेंस का स्केजुअल है, पूरे महीने का स्केजुअल उसमें आ रहा होता है पता नहीं अब तो वो अगर मुझे देखना है ना, तो वो चैटबॉट में मौजूद नहीं है, ठीक है। जो न्यू कनेक्शन की जो पूरा एक फॉर्म होता है लंबा चौड़ा, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, सही है। तो तमाम के तमाम फीचर को ज़बरदस्ती वॉइस में घुसाने की ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ रही है अभी फ़िलहाल। लोग वो चीज़ें इसमें रख रहे हैं जो क्विक वाली चीज़ हैं। अच्छा, वॉइस इंटरफेस इज़ ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम। जैसा कि जो इस कोर्स को शुरू करने से पहले जो एक सेमिनार हुआ था, उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वॉइस यूज़र इंटरफेस जो है वो कैसे फास्ट है कन्वेंशनल यूज़र इंटरफेसेस से, ठीक है। क्यों फास्ट है, इस वजह से कि ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है बोलने और सुनने का, वो 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो सबसे पुरानी जो लिखी हुई हमें तख्ती मिली है, जो किश टैबलेट्स कहते हैं, वो 5,000 ईयर्स पुरानी है, ठीक है। और इससे फिर वाज़े फ़र्क है, हमारे बोलने और सुनने की जो स्पीड है वो, और लिखने और पढ़ने की जो स्पीड है, उसमें बहुत वाज़े फ़र्क है, ठीक है। जितनी तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ, इतनी तेज़ी से मैं लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, जिस तरीके से आप सुन रहे थे उसे। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम। हमारे पास जदीद जो दौर है इस वक्त, हम करंट जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में टाइम की जो वैल्यू है ना, वो पैसे से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, हर दौर में रही है भाई दर, लेकिन इस दौर में शायद लोगों को रियलाइजेशन, बहुत सख्त किस्म का रियलाइजेशन हुआ भाई कि यार टाइम की कीमत पैसे से बहुत ज़्यादा है। तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक क्लिक करके 15 सेकंड तक वेट करें, दैट इज़ अ फेलियर। अच्छा, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो डिफरेंट किस्म की 10,000 तरह की ऐप को डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करके रखे, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ये भी मेरे पास सीरी है, तो मैं इससे बोलूँगा, हे सीरी, सेट अलार्म आफ्टर 6 मिनट्स फ्रॉम नाउ। डन। डन। अब ये चीज़ अगर मैं मोबाइल ऐप खोल के करूँ, जो इसमें क्लॉक की एक ऐप होती है, उससे अगर मैं करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एंड्रॉयड में भी गूगल असिस्टेंट हर फ़ोन में मौजूद है, आप होम का बटन दबा के रखेंगे, आप सेट अलार्म वगैरह, टाइमर वगैरह लगाना है, ये छोटी मोटी चीज़ें मैं इसी से ही करता हूँ, तो काफ़ी टाइम बचाता है ये मेरा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं रात को थका आ रहा हूँ, 2 बज रहे हैं रात के, मुझे 6 घंटे की नींद लेनी है, तो मैं इसको बोलूँगा कि सेट अलार्म आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। तो ये खुद कैलकुलेट करके इसने सेट कर देना है। ऐप खोलने में तो मेरे 5 मिनट लग जाएंगे, ये काम मेरा 2 सेकंड में हो रहा है, तो बहुत वाज़े डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन अगर मैं वॉइस के ऊपर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के काम करवाना शुरू कर दूँ, जिसमें 17 दफ़ा उसको पलट के क्वेश्चन पूछना पड़े, बावजूद इसके कि ये कर सकता हूँ, मैं तो बोलूँगा जस्ट सेट अलार्म बोलूँगा, तो वो सामने से पूछेगा कि सेट अलार्म फॉर व्हेन, तो फिर पलट के पूछेगी। लेकिन अगर 4, 5, 6 क्वेश्चन पलट पलट के वो पूछ रहा है सामने से अगर चैटबॉट मेरे, तो वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो शुरू से ही आपको ये बात जहन में रखनी है कि चैटबॉट इज़ ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम। तो जहाँ पे हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, कन्वेंशनल ऐप से भी ज़्यादा लग रहा है अगर चैटबॉट में, तो वो फीचर चैटबॉट में फ़िलहाल आप नहीं डालना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, Dialogflow can analyze multiple type of inputs from your customer, including text, audio input like phone or voice recording. It can also respond to your customer in a couple of ways, either through the text or synthetic speech. अच्छा, अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि चैट बॉट जितने भी चलते हैं ना,
वो सारे चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जितनी भी एआई परफॉर्म होती है, जितनी भी एनएलयू या एनएलपी के जो एल्गोरिथम्स परफॉर्म होते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। वॉइस के ऊपर डायरेक्ट कोई भी एआई अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म के अंदर या अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, ठीक है। तो यही वजह है कि डायलॉग फ्लो को जब हम इनपुट देते हैं तो वो हम टेक्स्ट में देते हैं और ये भी हमें रिस्पॉन्ड टेक्स्ट में करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि भाई आप इनपुट क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी दे सकते हैं और ऑडियो में भी दे सकते हैं, दोनों बातें लिखी हैं। तो एक्चुअल में ये करता क्या है कि अगर हम इसको ऑडियो में इनपुट देते हैं तो उस ऑडियो को ये ट्रांसक्राइब कर लेता है, जो इनका अपना एक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है उसके ज़रिए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, या तो अलग से आप वो API इस्तेमाल कर लें जो इनकी स्पीच रिकग्निशन की है कि बंदा बोले तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर भेजे इनके पास, डायलॉग फ्लो वालों के पास, ठीक है, और वापस रिस्पॉन्स आए तो उसको वापस वॉइस में कन्वर्ट करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट ऑडियो भी डायलॉग फ्लो को भेज सकते हैं, लेकिन उस केस में भी ऐसा नहीं होगा कि वो ऑडियो में परफॉर्म करेगा कुछ, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और एग्जैक्टली उसी API के ज़रिए करेगा जो आपने अलग से करनी है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर एक आपके जहन में होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग आपको पता हो कि पीछे क्या हो रहा है। अच्छा, तो इनपुट टेक्स्ट में और ऑडियो में दोनों में दे सकते हैं आप, आउटपुट भी आपको टेक्स्ट और ऑडियो दोनों में मिलेगा। अगेन, जो आउटपुट ऑडियो में मिलेगा वो भी ट्रांसक्राइब हुआ हुआ होगा, यानी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा आपको। अब उसमें अंदर क्या क्या ऑप्शन मजीद होते हैं, ये सिंथेटिक स्पीच क्या चीज़ है, एक SSML करके एक लैंग्वेज है पूरी, ठीक है, जिसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं सामने से, तो वो एक ख़ास तरह का हमें, मतलब स्पीच में हमें रिस्पॉन्स में हमें इमोशंस भी कन्वे करने हैं थोड़े थोड़े, कि लाउड या स्लो या विस्पर करके कोई चीज़ बोलनी है या एक्साइटेड होकर कोई चीज़ बोलनी है, तो उसके लिए पूरी एक लैंग्वेज है। अगर हम प्लेन टेक्स्ट देंगे तो उसको तो उसने किताब की तरह पढ़ देना सीधा सीधा, लेकिन हम डायलॉग फ्लो से जो रिस्पॉन्स करते हैं वो SSML भी उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। जी गूगल की API है, गूगल की जो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट दोनों APIs मौजूद हैं गूगल की, ठीक है, तो वो दोनों आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो। अच्छा, प्राइसिंग भी अगर आप देखेंगे ना, तो स्पीच API की प्राइसिंग और डायलॉग फ्लो की प्राइसिंग, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसकी ऑडियो की प्राइसिंग बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर डायलॉग फ्लो आप टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक डिफरेंट प्राइसिंग है, और डायलॉग फ्लो आप ऑडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो जो बढ़ती है ना जितनी, वो एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ती है जितनी स्पीच API की प्राइसिंग है, सही है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो बिहाइंड द सीन वही चला रहे हैं, तो और ऑब्वियसली वो वही चला रहे हैं, उन्होंने कई जगह पे मेंशन भी किया है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, कि उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन हमें दे भी देता है, वो जो अगर हम ऑडियो भेजते हैं यहाँ से तो ट्रांसक्रिप्शन हमें पीछे मिल भी जाता है सर्वर पे कि अच्छा ये हुआ है ट्रांसक्राइब। अच्छा जी, डायलॉग फ्लो प्रोवाइड टू डिफरेंट वर्चुअल एजेंट सिस्टम्स, ईच वन हैज़ इट्स ओन एजेंट टाइप, यूज़र इंटरफेस, API और क्लाइंट लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक है भाई CX प्रोवाइड एडवांस एजेंट टाइप्स सूटेबल फॉर लार्ज और वेरी कॉम्प्लेक्स एजेंट्स। एक है डायलॉग फ्लो ES प्रोवाइड द स्टैंडर्ड, ये 6 मिनट का लगाया था वो बच गया, ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल सिंपल एजेंट्स। अब ये जो दो टाइप है ना, ये CX है नया वाला। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि CX अभी जो है ना स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अंदर, ठीक है, और डिज़ाइन लेवल पे भी ना ये इसमें चेंजेस आ रही हैं वक्त के साथ साथ, मतलब कुछ चीज़ें शुरू में जैसी थी वो बाद में इन्होंने चेंज की है, तो हम CX नहीं करेंगे। अच्छा, ऑल्दो के CX के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो यानी ES में और CS में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेनली, तो मेनली इसमें डिफरेंस ये है कि यूज़र इंटरफेस का एक डिफरेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से हम जब डायलॉग्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ES जो कि ओरिजिनल है डायलॉग फ्लो, जब आया था तो ये ऐसा ही था, तो उसमें एक ख़ास तरह से वो डिस्प्ले हो रहा होता है। अच्छा, फिर CX में उसको दिखाने का तरीका अलग है, यानी CX के अंदर वो फ्लो चार्ट के तरह से डिस्प्ले होकर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ES में वो लिस्ट बन के नज़र आ रही होती है। तो आमतौर पर नोटिस ये किया गया है कि जब लिस्ट बन के वो नज़र आ रहा होता है ना, जो ओरिजिनल जो डायलॉग फ्लो है, उसमें होता ये है कि अगर इंटेंट आपके 200 तक तो हैं तो सही रहता है, लेकिन 200 से जब इंक्रीज़ करते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है वो पेजिनेशन आ जाती है नीचे, तो वो नेक्स्ट 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 करके काफ़ी ढूंढना पड़ता है एक एक, अब वो किसका कनेक्शन किसके साथ है, वो कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है।
इस वजह से इन्होंने इसका जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने के लिए एक नया सी एक्स यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अच्छा, इस नए सी एक्स में एक का दुबका कुछ नए फीचर्स भी हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी तक ये इसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए सीखने के लिए मैं ई एस के साथ जाऊँगा इस कोर्स के अंदर अभी, ठीक है, बाद में आप जब अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो भी सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, तीन इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इंटेंट, एंटिटीज़ एंड फुलफिलमेंट, वो दोनों में सेम है। तो यही तीन चीज़ें अगर आपको ये समझ आ जाएंगी तो डायलॉग फ्लो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि डायलॉग फ्लो को करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई सी एक्स की और ई एस की दोनों की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। क्या क्या चीज़ मौजूद है, एडिशंस मौजूद है, डिटेल कंपैरिजन ऑफ टू एजेंट्स एंड टाइप्स, सपोर्ट मौजूद है जिसमें आप एफ ए क्यूज़ वगैरह हैं, ट्रबल शूटिंग के तरीके हैं, और कुछ ईमेल वीमेल इन्होंने दी हुई है कि कोई मसला है तो यहाँ दो, ठीक है। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या है कि प्राइसिंग, कोटाज और रिलीज नोट्स वगैरह एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो तीनों का इसने यहाँ पे लिंक बता दिया। अच्छा, अब ये कुछ बता रहे हैं कि कन्वर्जेशनल एआई का क्या चक्कर है। डायलॉग फ्लो इज़ अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेशनल एआई ऑफरिंग विद इन गूगल क्लाउड, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेशनल एआई, लर्न मोर अबाउट द कन्वर्जेशनल एआई ऑफरिंग विद द गूगल क्लाउड और लर्निंग हब। लर्निंग हब इज़ अ रिसोर्सेज टू ब्लॉग द बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड द कोड बेसिस एंड द वीडियोस। लर्निंग हब करके इन्होंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई है। कन्वर्जेशनल एआई जो है ना वो क्या है, गूगल क्लाउड का एक वो रिसोर्स पैक है, गालबन देख लेते हैं चल के कि क्या है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेशनल आई में देखो क्या कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। वर्टेक्स करके कुछ है, कॉन्टेक्ट सेंटर करके कुछ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें, ये इसकी एक ऑफरिंग है। ये तीनों आप एक साथ लेंगे तो शायद कुछ कॉस्ट वॉस रिड्यूस हो जाती है, इस तरह का कोई चक्कर है। तो बैक करके हम आ जाते हैं इस पेज पर। अच्छा, तो ये यहाँ तक तो कहानी हो गई, हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लिया। अब हम क्या करते हैं, डायलॉग फ्लो पे चलते हैं और वहाँ पे चल के एक हेलो वर्ल्ड बनाते हैं हम डायलॉग फ्लो का कि वो कैसे बनेगा। इस पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, या कॉन्सोल पे क्लिक कर दूंगा मैं, नहीं ये तो गूगल क्लाउड पे ले गया मुझे, डायलॉग फ्लो कॉन्सोल, ठीक है, डायलॉग फ्लो कॉन्सोल लिखा मैंने, तो ये इसका URL किया है dialogflow.cloud.google.com, ठीक है। पहली स्क्रीन पे इसने मुझे बोला कि लॉगिन विद गूगल, जो भी मेरा करंट अकाउंट है उसी के साथ मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। इंजमाम मलिक का अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, तो जब आप इसका इंटरफेस खोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। मेरे पास असल में ये इसने एक चैटबॉट बना हुआ चैटबॉट ना ओपन कर दिया इसने, इसलिए ऐसी स्क्रीन दिख रही है, आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं दिखेगी। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पार्ट है ये लिस्ट है, यानी जो पहले से बने हुए आपके एजेंट्स हैं ना उनकी लिस्ट है ये, सही है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे चैटबॉट्स बने हुए आ रहे हैं, आपके पास ये खाली आएगा। अच्छा, इस ही लिस्ट के बिल्कुल आखिर में आप अगर देखेंगे ना तो क्रिएट न्यू एजेंट का एक बटन बना हुआ आ रहा है, तो आपने ये बटन क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, ये नया एजेंट बनाने का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इससे आपको एक नया एजेंट बनाना है जिसमें मैं कह देता हूँ कि भाई बैज टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं डाल सकते आप, और मैंने इसको क्रिएट का बटन दबा दिया, सही है। अच्छा, ये याद रखिए कि जब भी आप डायलॉग फ्लो के अंदर एक नया एजेंट बनाते हैं तो वो गूगल क्लाउड में एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट होता है उसके साथ साथ, ठीक है। तो जो भी लिमिटेशंस हैं, मिसाल के तौर पे शायद 10 प्रोजेक्ट की लिमिट होती है गूगल क्लाउड पे, तो अगर उस तरह की कोई लिमिट है तो वो भी इसमें चल रही होगी साथ साथ। तो अच्छा, ये मेरे पास बोलो एजेंट एक चैटबॉट होगा, एक चैटबॉट, जैसे फायरबेस पे हम जाते हैं ना, एक ऐप बनाते हैं एप्लीकेशन न्यू, तो ये वो है। तो ये एक गूगल क्लाउड का प्रोजेक्ट है, तो आप कह लें कि डायलॉग फ्लो का प्रोजेक्ट है ये, इसको ये टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं एजेंट,
अच्छा अब ये ना देखो यहाँ पे बनकर आ गया, इस ड्रॉप डाउन में से अभी ये सेलेक्ट हो गया, तो अब ये चैटबॉट खुला हुआ है। तो जब आप एक नया चैटबॉट क्रिएट कर लेंगे डायलॉग फ्लो में, तो अब आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आनी चाहिए। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको गो थ्रू करके कि क्या चीज़ है। यहाँ पे गेयर आइकन बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपको तमाम तरह डिटेल्स नज़र आ जाएंगी इस चैटबॉट की, कि इसमें क्या क्या कुछ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है इसकी, टाइम जोन यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको बोलते हैं ना जब 6 आवर फ्रॉम नाउ या अभी टाइम, तो टाइम यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि इस मशीन का टाइम जोन क्या है, यानी इस एजेंट को टाइम कौन सा पता चल रहा है। ठीक है, या आप अगर कभी बोलते हैं कि यार 4 PM पे ये काम कर देना, तो वो 4 PM को कैसे बुक करेगा, या आफ्टर 5 आवर फ्रॉम नाउ को वो क्या समझेगा कि मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, उससे होता है ना 5 आवर फ्रॉम नाउ, तो उसके लिए टाइम जोन यहाँ पे सेट हुआ है। तो ये टाइम जोन जहाँ का आपका यूज़र होगा, ये वहाँ का टाइम जोन सेट करना है आपको। अगर पाकिस्तानी यूज़र है तो पाकिस्तानी टाइम जोन, ताकि वो यहाँ के हिसाब से बात कर सके। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखो गूगल प्रोजेक्ट आईडी नज़र आ रही है आपको, गूगल पे जो आपका प्रोजेक्ट बना है ना उसकी आईडी ये है। फायरबेस पे भी ऐसे ही होता था, फायरबेस का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो गूगल पे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, उसको एक आईडी मिल जाती है। अच्छा कुछ इसके बीटा फीचर्स हैं जो, अच्छा अभी जो है डायलॉग फ्लो का क्या चल रहा है, एक आया था V1, डायलॉग फ्लो V1। वो क्या था डायलॉग फ्लो V1, के डायलॉग फ्लो असल में गूगल की कंपनी नहीं थी, ये एक अलग कंपनी थी जिसका नाम था API.AI। ठीक है, ये कुछ लड़कों वड़कों ने बनाई थी मिलके, फिर गूगल ने क्या किया इसको एक्वायर कर लिया। तो गूगल ने एक्वायर करके और जब इसका नाम चेंज किया ना डायलॉग फ्लो किया, तो दैट वर्जन वॉज कॉल्ड डायलॉग फ्लो V1। अच्छा V1 से भी पहले API.AI के अपने मतलब चल रहे थे मंजन, उनके अपना वर्जन सिस्टम चल रहा था, बट जब हम वहाँ से देखेंगे जब डायलॉग फ्लो को इसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, उससे पहले जब मैंने इस पे काम शुरू किया था उसके 2 साल बाद इन्होंने एक्वायर किया था। ठीक है, तो वो कुछ अगर आप मेरी रिपोजिटरी में जाएंगे तो शायद कुछ आपको पुराना कोड भी दिखेगा API.AI का, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जब डायलॉग फ्लो को गूगल ने अपने पास एक्वायर किया तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया और डायलॉग फ्लो नाम रखा API.AI से हटा के। अच्छा दैट वर्जन वॉज कॉल्ड V1। अच्छा V1 जब आया था तो V1 में क्या सीन था, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम थे, कोई फ़र्क नहीं है, अभी भी कोई फ़र्क नहीं है अभी तक। अच्छा इन्होंने ये किया था कि जब नया प्रोजेक्ट बनता था तो वो गूगल का प्रोजेक्ट नहीं होता था, वो इन्हीं का ही प्रोजेक्ट होता था। ठीक है, यानी काइंड ऑफ ये समझ लो कि गूगल का जो इकोसिस्टम है पूरा, यानी गूगल की जो परमिशंस हैं, गूगल की सारी अपनी एक चीज़ होती है, जैसे फायरबेस पे आप जाएंगे तो IAM पूरा सिस्टम है गूगल का ही, तो उसका पार्ट नहीं था ये V1 तक। ठीक है, इस पर OAuth वगैरह गूगल का नहीं काम करता था, वो अपना था इसका सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि शुरू में ये होता था डायलॉग फ्लो का क्लाउड अपना नहीं था, क्योंकि वो मतलब लड़कों ने क्रिएट किया था, इन्होंने जस्ट उसमें ये किया था कि क्लाउड इनका अपना होगा, बस ये चेंज किया था V1 के अंदर। अच्छा फिर V2 जब आया ना, तो V2 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको टाइटली कपल्ड कर दिया गूगल के इकोसिस्टम के साथ, और ये हम जो चला रहे हैं V2 है, सही है। अच्छा तो V2 में इन्होंने, अब V2 में क्या होता है, जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक्चुअल में पीछे गूगल का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, सारी परमिशन वगैरह जो भी, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में किसी डेवलपर को ऐड करना है साथ में तो मैं गूगल से जाके करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी होता है, लेकिन वो एक्चुअल में पीछे गूगल की एक प्रोडक्ट है। अच्छा गूगल के क्लाउड में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये टाइटली कपल्ड है गूगल के इकोसिस्टम में V2 के अंदर। अच्छा V2 के बाद ना देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, V2 बीटा। अब बीटा में इन्होंने क्या किया था, कुछ एडिशनल चीज़ें इनोवेशन की थी, कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी फीचर वाइज, तो वो बीटा के अंदर ही है अभी भी। अच्छा फिर V2 बीटा के अलावा V3 भी इसका आ चुका है, जो एक्चुअली डायलॉग फ्लो CX है, जो हम नहीं पढ़ रहे, जो नया वाला है, दैट इज़ V3। ठीक है, तो V2 बीटा एक अलग है, V2 और V2 बीटा ये एक अलग है, और V3 एक अलग है, सही है। तो हमने ना बीटा पे जाना है और ना V3 पे जाना, हमने V2 पे रहना है, प्लेन जो V2 है सिंपल वाला। ठीक है, और इस पे सारे काम हो जाते हैं। अब बीटा के फीचर्स कौन कौन से, अभी वो हम देख लेंगे, नज़र आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या है, लॉग इंटरेक्शंस टू डायलॉग फ्लो, लॉग इंटरेक्शंस टू गूगल क्लाउड। जाहिर है क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, तो गूगल का एक ना लॉग देखने का एक होता है, उसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके ना आप इसके लॉग्स देखते हैं, तो जो भी आप कन्वर्जेशन करेंगे, यानी जाहिर है इनका एक अपना खुद का एक मशीन है, ये एक मशीन है
जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, और इसके अंदर एल्गोरिथम्स चल रहे हैं जो गूगल हमें नहीं बताना चाहता कि वो क्या चला रहा है अंदर, ठीक है। तो इसलिए उसने अपना खुद का सर्वर हमें छोटा सा बना के दिया हुआ है। तो इस सर्वर पे जब रिक्वेस्ट आती है जब, तो उस पे अगर कोई एरर होता है, कोई मतलब ऐसी चीज़ होती है, तो हम इस वाले लॉग में जाके उसको देखते हैं, अभी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये डिलीट प्रोजेक्ट का हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा एक्चुअली, असल में बनाते हुए ये लैंग्वेज जो हम सेट कर देते हैं ना, तो ये इंग्लिश से अब ये जा नहीं रहा कहीं और, ठीक है। बनाते हुए हम इसमें बाय द वे ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम सेट कर सकते हैं। पिछले दिनों इसके अंदर उर्दू भी इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, उर्दू को वापस से रिमूव कर दिया है। जब इन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने यूट्यूब पर एक सेशन भी किया था जिसमें मैंने उर्दू में एक चैट बॉट बनाने की कोशिश की थी, और वो बहुत ही बुरा चल रहा था। STU, सही है, यू से सिर्फ यूक्रेनियन है बस। तो अभी देख लो, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, दुनिया की कई बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा ML सेटिंग्स में हम आ जाते हैं। अब ये ML सेटिंग्स जो है ना, इसको आमतौर पे हम क्या करते हैं, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते आमतौर पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे ही इसको हम चलाते हैं। अच्छा, ये क्या है, क्लासिफिकेशन थ्रेशहोल्ड है। क्लासिफिकेशन थ्रेशहोल्ड कोई बता सकता है, आइडिया हो रहा है किसी को कि क्या चीज़ है इसको? ये डेफिनेशन पढ़ के ऑफकोर्स, थ्रेशहोल्ड जो होता है किसी भी चीज़ का एक लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे जैसे अब एक जनरेटर है, तो उसमें जो जाहिर है चलता है तो गर्म होता है वो, तो एक थ्रेशहोल्ड होता है कि यार इतने से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको बंद कर दो, फिर इतने से ज़्यादा गर्म हुआ तो ये मसला कर जाएगा, फिर कुछ ख़राब हो जाएगा अंदर, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड थ्रेशहोल्ड, ठीक है। तो वो थ्रेशहोल्ड किसी भी चीज़ का, तो ML की क्लासिफिकेशन जो होगी, मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन होती है कि भाई दो चीज़ों में जब वो डिफरेंशिएट करता है, तो वो मिसाल के तौर पर मैंने दो पिक्चर दिए, एक मैंने 2000 पिक्चर दे दी डॉग की और एक 2000 पिक्चर दे दी कैट की, तो वो कितना उसको यानी कितना ज़्यादा शार्पली उसको वो डिस्टिंग्विश करेगा, किस पॉइंट पे थ्रेशहोल्ड सेट करेगा कि यार अच्छा इस थ्रेशहोल्ड से आगे कैट है और इस थ्रेशहोल्ड से पीछे डॉग है। तो वो एक कोई पॉइंट होता है जहाँ पे वो मतलब उस पॉइंट में, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एनिमल की मैं फ़ोटो देता हूँ जो दिखने में उसमें दोनों फीचर्स हैं, कैट के भी फीचर्स हैं और डॉग के भी फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं उनकी शक्ल कैट जैसी होती है देखने में, ठीक है, बाल वाल भी होते हैं उसके, मूछें नहीं होती लेकिन, ठीक है। तो कहाँ पे वो थ्रेशहोल्ड सेट हो, ठीक है, तो वो थ्रेशहोल्ड इन्होंने 0.3 पे सेट किया हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। डिफाइन द थ्रेशहोल्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस स्कोर, इफ रिटर्न वैल्यू इज लेस देन द थ्रेशहोल्ड वैल्यू देन फॉल बैक इंटेंट विल बी ट्रिगर्ड, ठीक है। इफ देयर इज नो फॉल बैक इंटेंट डिफाइंड, नो इंटेंट विल बी ट्रिगर्ड, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन इसमें कैट और डॉग की तो करेगा नहीं है, ठीक है। अब इसमें किस चीज़ की क्लासिफिकेशन करेगा कि हमने जो इंटेंट्स डिफाइन किए हैं, अगर उनमें जो भी बंदा बात बोल रहा है अगर वो किसी इंटेंट से मैच हो जाता है, अभी वो इंटेंट क्या होते हैं वो आगे अभी पता चलेगा, ठीक है। तो 1 का मतलब होता है कि 100% मैच हो गया, जो बोला था एग्जैक्ट वही हो गया, और 0.3 का मतलब है कि 30% मैच हुआ। तो अगर 30 से कम होगा तो फिर ये उसको ये नहीं समझेगा कि ये बात बोली है, वो फॉल बैक चला देगा। अभी फॉल बैक क्या होता है वो भी थोड़ी देर में भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके अंदर जो भी बना हुआ एजेंट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, 3-4 अलग अलग इसके वेरिएंट बना सकते हैं, ठीक है। स्पीच हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। स्पीच यहाँ से इनेबल कर देंगे तो क्या होगा, जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो साथ में स्पीच भी मिलेगी, ठीक है, और ज़ाहिर है फिर वो उसके लिए वो चार्ज भी करेगा हमें एक्स्ट्रा, ठीक है। स्पीच की कुछ सेटिंग्स हैं कि भाई आउटपुट 16 बिट में होना चाहिए, MP3 में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। साइज़ छोटा होता है सबसे जो 16 बिट का होता है वो, ठीक हो गया। लैंग्वेज कौन सा होगा, वॉइस कौन सी होगी, 10-12 इसमें वॉइसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो कौन सी वाली वॉइस होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्पीकिंग रेट कितना होगा, क्या बहुत तेज़ तेज़ बोले, पिच क्या होगी, बारीक आवाज़ होगी, पिच ज़्यादा बारीक आवाज़, ठीक है। वॉल्यूम गेन कितना होगा, यानी एक्चुअल जो उसका वॉल्यूम होगा वो बहुत लाउड होगा या स्लो होगा, कम होगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोफाइल है बहुत सारी इसमें, अगर मैं इसको कह दूंगा ना कि लार्ज स्पीकर, ठीक है, लार्ज होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि लाउड स्पीकर में कोई बोल रहा है, यानी मैं इस स्पीकर में जब बोलता हूँ दिस इज़ अ लाउड स्पीकर, इसका एक इफेक्ट है अपना, तो ऐसा इफेक्ट पहले से ऐड हुआ होगा उसके अंदर,
ठीक है, कोई डायरेक्ट बात कर रहा हो वॉइस में वो अलग होता है, हेडफोन में एक अलग तरह की, तो वो कुछ समझ लें आप इसको इफेक्ट्स हैं ये, जैसे वो फिल्टर्स हैं कुछ कह लें ऑडियो के। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ SSML लिख के उसको प्ले करके देख सकता हूँ कि इस SSML को ये बोलेगा कैसे, ठीक है। वो SSML भी अभी आगे की कहानी है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट की ना सेटिंग्स है, शेयर कर सकता हूँ मैं इसमें, डेवलपर्स ऐड कर सकता हूँ मज़ीद में, ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ और गूगल क्लाउड से भी जाके कर सकता हूँ, दोनों जगह से कर सकता हूँ। एडवांस में हम जाते हैं तो इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस है, सेंटिमेंट एनालिसिस बाय डिफ़ॉल्ट बंद हुआ हुआ है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या करता है बता सकता है वो? सेंटिमेंट क्या होता है पहले तो ये बताओ? जज्बात होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस या जज्बात को इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि हाई सेंटिमेंट और लो सेंटिमेंट, ठीक है। तो उसका कुछ एनालिसिस होता है। अच्छा, गूगल की जो स्पीच रिकग्निशन की API है उसमें भी यानी सेंटिमेंट एनालाइज करता है कि बंदे ने कोई रिकॉर्डिंग आपने भेजी और आप उसका सेंटिमेंट पता लगा लें कि भाई बंदा गुस्से में था, हैप्पी था या सैड था, एक्साइटेड था, क्या था बंदा, ठीक है। और फिर उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मतलब हैप्पीनेस की इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी था या कम हैप्पी था, ठीक है, या अगर एंग्री था तो एंग्री का स्केल क्या था, उसका इंटेंसिटी क्या थी, क्या बहुत ज़्यादा एंग्री था, बहुत एब्यूसिव हुआ हुआ था, ठीक है। तो ये सारी सेंटिमेंट्स चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हुआ हुआ है, लेकिन इसको हम इनेबल कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि जब आपके पास ऑडियो में इनपुट आप देंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, सेंटिमेंट भी साथ साथ पता चल जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब आप चैटबॉट बना रहे होते हैं तो यूज़र का जो सेंटिमेंट होता है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि बात करते हुए बंदा यानी कंप्लेन फाइल कर रहा है अगर बंदा, तो कंप्लेन फाइल करते हुए अगर हम साथ में कंप्लेन के सेंटिमेंट भी अटैच कर दें उसके, कि यार ये जब कंप्लेन फाइल जो यूज़र को पता ना चले लेकिन हमें पता चले बैकएंड में डेटाबेस में आ रहा हो कि यार सेंटिमेंट इसके ये थे जब ये कंप्लेन फाइल कर रहा था वॉइस सिस्टम के जरिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है वो। मिसाल के तौर पर अगर चैटबॉट शुरू किया था बंदे ने, जब कन्वर्जेशन शुरू हुई थी उस वक्त उसका सेंटिमेंट क्या था और कन्वर्जेशन एंड होने पे उसका सेंटिमेंट क्या था, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो चैट बॉट है उसको यूज़ करके क्या बंदा सेटिस्फाई हो रहा है या उसको यूज़ करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये भी होता है समटाइम, क्योंकि नया सिस्टम है, तो हम उससे ये भी पता लगाते हैं कि पहला जुमला जो उसने बोला था या दूसरा तीसरा जुमला बोला था उसमें सेंटिमेंट क्या थे, और लास्ट जो कन्वर्जेशन जो छोड़ के गया वो, तो लास्ट के 3-4 जुमलों में क्या सेंटिमेंट था। तो इस वजह से सेंटिमेंट को भी इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है। अच्छा, तो ये हमने इसकी सेटिंग देख ली कि यार इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको जो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं उन पे हम नज़र डालते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है इंटेंट, ठीक है। अच्छा, इंटेंट का क्या मतलब है? इंटेंट निकला है इंटेंशन से, सही है। डायलॉग फ्लो में हम बेसिकली क्या करते हैं, इंटेंट इसका सबसे पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, हम कुछ इंटेंट्स डिफाइन कर देते हैं कि अगर बंदा, इमेजिन करो कि मेरी ऐप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का चैटबॉट बना रहा हूँ, उस एग्जिस्टिंग मोबाइल ऐप का एक एक्सटेंशन बना रहा हूँ, एक एड ऑन बना रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे चलेगा या किसी गूगल असिस्टेंट पे चलेगा या उसी मोबाइल ऐप के अंदर ही कहीं पर वो चैटबॉट लगा हुआ होगा, तो वो एक एड ऑन मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए बना रहा हूँ। अब वो चैटबॉट किन किन बातों का जवाब दे सकता है या उस चैटबॉट में क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं, इमेजिन करें कि उस चैटबॉट में अभी हम 3 फीचर डालना चाह रहे हैं, सिर्फ 3 फीचर। नंबर 1, ऑर्डर अ न्यू पिज़्ज़ा, न्यू ऑर्डर क्रिएट करें वो, कि भाई अब वो क्या क्या बोलेगा वो, तो मुझे ये समझना चाहिए कि वो नए ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बात है, पहली फंक्शनैलिटी या पहला इंटेंशन जो यूज़र का हो सकता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 2 इंटेंशन में क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं नंबर 2 फीचर अपनी ऐप में क्या डाल रहा हूँ, कि बंदा वो कंप्लेन फाइल कर सके, सही है। अच्छा, नंबर 3 इंटेंशन मैं उससे क्या ऐड कर रहा हूँ, नंबर 3 फीचर अपने चैटबॉट में, कि वो बंदा ना अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक कर ले, ठीक है। तो क्रिएट ऑर्डर, चेक स्टेटस और कंप्लेन, ये 3 मैंने फीचर इसके अंदर डाले। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, ये 3 फीचर असल में 3 इंटेंशन होंगी, ठीक है। अच्छा, ये इंटेंशन जब बंदा ज़ाहिर बोलेगा तो मुझे उसकी इंटेंशन पता चल जाएगी। बंदा बोल रहा है यार आई एम हंग्री, तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर देना चाह रहे हो, तो मुझे उसकी इंटेंशन पता चल जाएगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 3 इंटेंट्स बना दूंगा। अच्छा, हर इंटेंट के अंदर फिर मैं क्या करूँगा, उसके ट्रेनिंग फ्रेजेस डालूंगा,
हर इंटेंट के अंदर मैं कुछ ट्रेनिंग फ्रेजेज ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे जो पहला इंटेंट है मेरा ऑर्डर पिज़्ज़ा या न्यू ऑर्डर या क्रिएट न्यू, जो भी नाम रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, डजेंट मैटर, तो रेलिवेंट होना चाहिए बस नाम। अच्छा, तो उसके अंदर मैं ट्रेनिंग फ्रेजेज में क्या क्या लिखना चाहूँगा, आई एम हंग्री या ऑर्डर पिज़्ज़ा या क्रिएट अ न्यू ऑर्डर या इनिशिएट ऑर्डर, इस तरह की कुछ बातें मैं वहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं तमाम, क्या वो तमाम जुमले में लिख सकता हूँ यहाँ पे जो यूज़र बोल सकता है? कभी भी नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि यूज़र एक ही बात को बोलने के कई हज़ार अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक हद तक ही सोच सकते हैं, उसके बाद आप एक लिमिट तक आप सोच सकते हैं, यूज़र कुछ भी नई बात भी बोल सकता है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, डायलॉग फ्लो ये क्लेम करता है कि इन्होंने बिहाइंड द सीन डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट की हुई है, तो ये बोलता है कि आप ना पाँच छः जुमले जो भी आपको समझ आ रहे हैं वो आप लिख दें, बाकी उन पाँच छः जुमलों से मैं पीछे उस जुमले की कई हज़ार वेरिएशंस बना लूँगा। तो यूज़र फिर जैसे भी बोलेगा हम उसको पता लगा लेंगे, हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो क्लासिफिकेशन का थ्रेशहोल्ड हमने भी देखा था कि अगर 0.3 से अगर वो नीचे होगा, अगर तो 100% मैच हो गया तो वो 1 होगा पूरा, 1 का मतलब होता है 100%। अगर 90 होगा तो 0.9 का मतलब है कि 90% मैच हुआ किसी एक इंटेंट से, जो भी जुमला बंदे ने बोला है वो किसी एक इंटेंट से 90% मैच हो गया, तो वो उस पर चला देगा उसको कि अच्छा यार ये है। अच्छा, लेकिन 30% से कम अगर मैच हुआ ना, यानी कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं है, एक खास जुमला बंदे ने बोला और उस वो जुमला किसी भी इंटेंट से 30% तक मैच नहीं हो रहा है, उससे कम ही हो रहा है, किसी से 2% मैच हो रहा है, किसी से 5% मैच हो रहा है, तो 30% किसी से भी मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फॉल बैक इंटेंट को इनिशिएट कर देगा, ठीक है। अच्छा, फॉल बैक इंटेंट का मतलब ये है कि भाई आई डिडेंट अंडरस्टैंड दिस जुमला। अच्छा, तो इसी तरीके से मैं तीन इंटेंट बना दूंगा, तीनों के ट्रेनिंग फ्रेजेस जो मुझे समझ आएंगे वो मैं लिख दूंगा। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ जो भी बंदा इंटरेक्शन करता है ना डायलॉग फ्लो के साथ, वो एक जगह पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, ये ट्रेनिंग वाले पार्ट में ना रिकॉर्ड हो रहा होता है वो, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर थोड़े दिन पे आके उसको चेक करूँगा, उसकी परफॉर्मेंस को, क्या क्या जुमले बंदे ने बोले। तो कोई अगर लोग क्रिएटिव जुमले बोल रहे होंगे तो मैं उठा के इंटेंट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और दिस इज़ हाउ चैट बॉट विल बी ट्रेनिंग इट्सेल्फ तो नहीं हम कर रहे होंगे, ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाती है कि हम उसमें क्या करेंगे, देखते हुए कि लोग क्या कह रहे हैं, मैं ट्रेनिंग मैंने लॉग्स है ना जो लोग बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा यार वो तमाम लॉग्स मुझे दिखाओ कि जिसमें वो फॉल बैक पर गिराए जाके किसी से मैच नहीं हुआ, तो वो मैं देखूँगा, कुछ तो जेन्युइन होगा, वो कह रहा है विल यू मैरी मी, तो वो तो फॉल बैक पर जाना चाहिए क्योंकि मेरे इंटेंट से मैच नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने बोला है कि भाई आई हैवंट ईट फ्रॉम टिल सिंस द मॉर्निंग, ऐसे किसी ने बोल दिया, तो मैं कहूँगा अच्छा यार इसका भी मतलब है ऑर्डर, मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि मैं कितना कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सम टाइम ऐसे वाहियात जुमले में ऐड नहीं करना चाहूँगा कि भाई आई डिडेंट, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ इसने बोला है, ये कोई और नहीं बोलेगा, ये बात कोई ऐसी जर्नल बात नहीं है कि जो कोई है ना, आई हैवेंट ईट अगर किसी ने बोला है चलो ये भी समझ आ रहा है, लेकिन हैवेंट ईट फ्रॉम द मॉर्निंग ये नहीं लिखूंगा। तो एक थ्रेशहोल्ड मैं भी सेट करूँगा कि कौन से वो जुमले हैं जो यूज़र कि नहीं समझ पा रहा मेरा चैट पर, वो मैंने ऐड करना, हर कुछ मैं आग बंद करके ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, मेरे मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, एक मेरी सुपरविजन होगी कि क्या ट्रेनिंग में शामिल हो रहा है, हर अलग अलग ट्रेनिंग में शामिल मैं नहीं करूँगा, अल्टीमेटली उससे मेरा एल्गोरिथम या उससे मेरा जो मॉडल है ट्रेनिंग का जो अंदर बिल्ड होगा वो ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, तो जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको बनाते हैं एक नई ऐप को, तो यहाँ पे दो इंटेंट आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, एक पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट और एक पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट को ज़रा मैं ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे इस वक्त क्या दिख रहा है। अच्छा, ऊपर कॉन्टेक्स्ट है और इवेंट है, इसको तो छोड़ दें फिलहाल के लिए। उसके बाद है ट्रेनिंग फ्रेजेज, ठीक है, ट्रेनिंग फ्रेजेज देखो, एक इंटेंट इन्होंने खुद से बना के दिए ना, तो उसके ट्रेनिंग फ्रेजेज भी खुद से लिख के दिए इन्होंने, ठीक है। देखो इसमें ट्रेनिंग फ्रेजेस लिखे हुए हैं कि भाई जस्ट गोइंग टू से हाय या हेलो हाय या हाउडी, हे देयर, हाय देयर, ग्रीटिंग्स, हेलो, ये इस तरह की कोई भी बात बंदा बोलेगा, ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी बात बंदा बोलेगा तो आप नीचे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सेज, तो मेरा चैटबॉट क्या रिस्पॉन्स करेगा, इनमें से कोई एक बात रिस्पॉन्स करेगा रैंडमली,
ठीक है, हाय हाउ आर यू डूइंग, या हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, वेलकम, गुड डे, ठीक है, इस तरह से कोई एक बात रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो ट्राई इट नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं करता हूँ ट्राई, देखते हैं क्या होता है। हाय लिखा तो इसको समझ जाना चाहिए कि ये वेलकम इंटेंट है, ठीक है। तो देखो इंटेंट डिटेक्शन पे डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट पकड़ में आ गया, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स के ऊपर आप देखो लिखा हुआ गया गुड डे, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं सेकेंड टाइम पूछूंगा ना अगर यही हाय, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एक डिफरेंट जवाब देगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि इसमें से कोई भी एक दे दो, सभी सही है, ठीक है। मैंने एक और दफ़ा हाय बोला तो अब की बार डिफरेंट जवाब आया, सही है। तो अच्छा ये इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट जवाब रखा है या डायलॉग फ्लो में इस तरह, इस वजह से ये दिया गया, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक रीज़न कि अगर एक ही जैसा जवाब हर दफ़ा जाएगा ना तो बंदा उससे बोर हो जाता है, ठीक है, और बंदे को लगता है कि मैं किसी मशीन से सर मार रहा हूँ अपना। तो इस वजह से डिफरेंट यहाँ पे जुमले लिखे हुए हैं जिसका एक ही मतलब है, ताकि बंदे को बदल बदल के जवाब दिया जाए। जैसे एक आम आदमी, एक आम यूज़र, यानी अगर किसी काउंटर पर फिजिकल पर्सन से बात कर रहे हैं, उससे आप एक ही सवाल दो बार पूछेंगे तो वो सेम जवाब नहीं देगा, वो आपको समझेगा कि अच्छा इसको नहीं समझ आया, तो डिटेल में देगा अगली दफ़ा, वो और डिटेल में समझाएगा, सही। तो इस तरह का मामला कुछ रहता है ह्यूमंस के साथ। तो ह्यूमन को मतलब क्लोज होने के लिए ह्यूमन कन्वर्सेशन से ये किया गया है। नंबर दो रीज़न ये होता है कि सम टाइम एक जुमला ऐसा होता है जिससे बंदे को बात समझ नहीं आती, सही है। मिसाल के तौर पे अब बंदा एक पूछ रहा है, कोई भी बंदा ने बात की कि आई वुड लाइक टू फाइल अ कंप्लेन, तो मैं सामने से बोलता हूँ भाई गो इन द ऐप मेन्यू एंड क्लिक ऑन सपोर्ट, अभी एक शॉर्ट जुमला बोला है मैंने। सम टाइम इस तरह से बंदा समझ नहीं पाता, तो वही बात दोबारा पूछेगा तो उसको कोई दूसरा जुमला आ जाएगा, तो उससे शायद वो समझ जाए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स रखना चाहूँगा। अच्छा तो ये पहले से बना हुआ था मेरे पास। अच्छा लास्ट में हमारे पास ना फुलफिलमेंट है, ठीक है, फुलफिलमेंट इस वक्त डिसेबल्ड है। अच्छा अभी इस वक्त जो इस चैट बॉट से मैं बात कर रहा हूँ ना, यह साइड पर, वो इसी डायलॉग फ्लो के अंदर ही अंदर मुझे जवाब मिल जाता है। अभी यहाँ से निकल के मेरी कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जा रही है, ठीक है, ये हम सर्वर पे भेजेंगे अल्टीमेटली। पहले हम ज़रा अभी हम डायलॉग फ्लो के अंदर अंदर रहते रहते ही हम कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट ये हो गया। अच्छा उसके बाद डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट जो है ना, वो क्या है, उसमें ट्रेनिंग फ्रेजेज़ नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो ट्रेनिंग फ्रेजेज यहाँ पर नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस ये चलता कैसे, ये चलता है रिस्पॉन्स होते हैं ऑन अदर हैंड, ज़ाहिर है रिस्पॉन्स इसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसी बात बोलूँगा जो कि किसी इंटेंट में मौजूद नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या पकड़ेगा, डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट। और देखो जवाब क्या आया, सॉरी कैन यू से दैट अगेन, ठीक है, ऐसे जवाब आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं और भी रैंडम कुछ और लिखूँगा, ठीक है, कुछ और लिखूँगा तो कुछ और जवाब आता रहेगा, ठीक है। व्हाट वाज दैट, इसको नहीं पता चल रहा, सही है, कैन यू से दैट अगेन। तो ये बदल बदल के फॉल बैक पे भी जब जा रहा है तो ये बदल बदल के मुझे जवाब देता जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं वापस हम इंटेंट पे, और हम जो ऐप, पहली ऐप हम बना रहे हैं काइंड ऑफ, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाली, उसके हम तीन इंटेंट जो हमने सोचे थे वो हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्रिएट इंटेंट का मैंने बटन दबा दिया, इसका मैं नाम क्या रखूँगा, न्यू ऑर्डर, ठीक है। इंटेंट का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ये यूज़र को कभी भी नज़र नहीं आता, यूज़र को वो नज़र आता है जो हम रिस्पॉन्स में जो भेज रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट और इवेंट को भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा इवेंट तो काइंड ऑफ आउट ऑफ डेट हो चुका है, इवेंट इन्होंने लेगेसी सपोर्ट के लिए काइंड ऑफ रखा हुआ है, नए वाले में इन्होंने इवेंट ख़त्म कर दिया, जो अभी बीटा में भी ख़त्म नहीं किया, V3 में ख़त्म किया असल में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑन अदर हैंड मौजूद है, कॉन्टेक्स्ट का नाम जो है नए वाले में चेंज हो गया, उसका नाम रख दिया इन्होंने सीन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का नाम जो है V3 में ना चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया सीन, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बातें बताता रहूँगा जो V3 में इन्होंने चेंज किया है, ताकि अल्टीमेटली जब V3 स्टेबल हो जाए और आप V3 पे मूव करें तो आपको टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो सीन का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट भी हमने नहीं पढ़ा, वो देखेंगे हम थोड़ी देर में, आज की क्लास में शायद नहीं देख पाए। अच्छा ट्रेनिंग फ्रेजेज मैंने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखूँगा मैं, आई एम हंग्री, सही है, ऑर्डर पिज़्ज़ा, आई वॉन्ट फूड, गिव मी पिज़्ज़ा,
नहीं मतलब ऐसे नेचुरल जुमले बताओ, आई वांट ऑर्डर तो नहीं कहते, ये तो गलत। आई वांट टू ऑर्डर, आई वांट टू हैव। और वो एक अलग इंटेंशन होगी, व्हाट इज इन मेन्यू, ये एक अलग इंटेंशन है, ये एक इंटेंट बन रहा है। अच्छा सही है, पांच जुमले हो गए मेरे पास, काफ़ी रहेगा। अच्छा अब इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अभी अभी डेटाबेस सर्वर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सही है। मैं इससे बोलूँगा कि भाई हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा, दैट्स इट। मैंने बोला भाई पिज़्ज़ा आ गया आपका, सही है। और यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बना देते हैं इसके लिए, चुनना उन्ना तो सही है। ये लो पिज़्ज़ा आ गया, सेफ, सही है। अभी इसमें सर्वर इनेबल करेंगे तो फिर हम सर्वर से एक्चुअल में वो डेटाबेस में क्रिएट भी क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो ट्राई इट नाउ पे आके मैं बोलूँगा ना अगर पिज़्ज़ा, तो इसको पता चल गया, ठीक है। एक वर्ड बोला तो भी पता चल गया क्योंकि वो मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया वो। अच्छा अब और भी अगर मैं कुछ दूसरे अंदाज से बोलूँगा कि आई हैवेंट ईट एनीथिंग, तो इसको समझना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन देखते हैं, सही है, नहीं पता चला इसको, ठीक है। या अब मैं इसको बोलूँगा आई एम हंग्री, पता चल जाएगा उसको, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग फ्रेजेस मैंने नहीं डाले उससे बिल्कुल डिफरेंट बोल दिया ना किसी ने, तब तो जाहिर है उसको नहीं पता चलेगा, वो असल में वर्ड्स को पकड़ता है वो, ठीक है, वो वर्ड्स की वेरिएशन बनाता है पीछे बिहाइंड द सीन। तो मतलब पिज़्ज़ा भी नहीं आया उसमें, हंगरी भी नहीं आया उसमें, आई वॉन्ट टू हैव भी नहीं आया, तो वो जाहिर है फिर उसको नहीं पकड़ेगा। अब बताओ कोई ऐसा, कोई ऐसा जुमला बताओ जो मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेज में नहीं डाला। गिव मी पिज़्ज़ा दिया मैंने, गिव मी पिज़्ज़ा भी दिया मैंने, आई नीड फूड, ठीक है, फूड आ रहा है तो पकड़ लेना चाहिए उसको, ठीक है, पकड़ लिया इसने। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, आई डोंट नीड फूड, उसमें भी यही पकड़ेगा वो, आई डोंट नीड भी बोलूँगा ना मैं, तो उसमें भी ये पकड़ लेगा कि फूड से उसको समझ आ जाएगा कि ये, सही है। तो ये हमारा एक इंटेंट बन के तैयार हो गया। नेगेटिव का अलग बनाना पड़ेगा, हाँ, अगर डोंट नीड अगर करना है तो अलग उसका बनेगा, तो जब वो डोंट और उसमें फिर डिफरेंशिएट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, जो एक इंटेंट में आपने एक जुमला बता दिया ट्रेनिंग फ्रेज में, किसी दूसरे इंटेंट में एग्जैक्ट सेम जुमला कर दिया ना आपने, तो बस वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, सही है। अगर उस जुमले को किसी ने पकड़ा तो पहले जो इंटेंट मिलेगा उसको पकड़ लेगा, बाद में जो उसको छोड़ देगा, सही है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसा जुमला ना ऐड हो जाए आपके ट्रेनिंग फ्रेज में जो किसी दूसरे इंटेंट के ट्रेनिंग फ्रेज से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जिसका, ठीक है, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको तो जो समझ आएगा उसने कर देना है, ठीक है। मतलब अभी समझ रहे हो ना बात, देखो AI मीडिया प्रेस में जितना भी बोलते रहे ना कि AI बहुत एडवांस हो गया और ये हो गया और वो हो गया, ये AI अल्टीमेटली ना नंबर्स को देखता है या वर्ड्स को देखता है। अभी जो अगर तुम AI की बेसिक क्लासेस लोगे ना कहीं 101 वगैरह पर, तो वो जो सेंटिमेंट एनालिसिस है ना वो जिस तरह कर रहे होते हैं आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि वो क्या करते हैं, वो जितने भी वर्ड्स होते हैं उसकी स्ट्रिंग बनाते हैं और डिक्शनरी में जो हार्ड वर्ड और सॉफ्ट वर्ड को अलहदा किया हुआ है, अब उसमें काउंट करते हैं कि कितने हार्ड वर्ड हैं या हार्ड वर्ड के कॉम्बिनेशन जो हैं वो कितने हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, सॉफ्ट की काउंटिंग करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उससे वो सेंटिमेंट पता चल जाता है। मतलब इस तरह से चल रहा है AI बिहाइंड द सीन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हवा से कुछ हो रहा है और जादू चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये पीछे मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स है इसके पीछे, और बेसिक वो वर्ड वगैरह को देख के और उससे कंपैरिजन करके ना AI लगा के गेम सारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा डीप लर्निंग में थोड़ा सा मामला थोड़े अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी AI ही है। डाउन अगर आप रैबिट होल के अंदर जाएं तो इंटरनली वो AI, क्योंकि जाहिर है भाई प्रोसेसर का तो ALU है ना, वो तो लॉजिक यूनिट है, तो वो लॉजिक तो AI ही समझता है वो, ठीक है, 0-1 लॉजिक समझता है वो, तो भाई वो नाइगेट करता है वो, यानी लॉजिक में 6 होते हैं ना लॉजिक गेट्स होते हैं, जो तो वो बाइनरी हो या AI हो वो भी अल्टीमेटली वो नाइगेट क्या उसको लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट होता है वो। ये लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं DLD में, डिजिटल डिजिटल लॉजिक करके जो होता है ना, अगर वो
डिजिटल लॉजिक उसमें पड़ा है, तो अल्टीमेटली ये ट्रांसलेट होता है उसी के ऊपर, ठीक है। तो एआई कोई जादू नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर डीएलडी नहीं पढ़ा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके बगैर भी लोग चल रहे हैं, मैंने भी नहीं पढ़ा, सुना है मैंने सर, सही है। और असल बात यह है कि आपको पता होना चाहिए, जस्ट अभी जाहिर है मैं डीएलडी का काम थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा यार लॉजिक गेट्स होते हैं, 4, 6, 7, 8, 10 होते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है, और जोर नॉर पता नहीं क्या, जो हम नॉट लगाते हैं ना वो एक्चुअली नॉट इज़ अ लॉजिक गेट, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ अच्छा मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, कभी भी आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा तो बुक्स मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वो देखनी है आपने, इम्प्लीमेंट करनी है। प्रोग्रामिंग में कभी भी ऐसा नहीं करना आपने कि किसी चीज़ को हिफ्स करने की कोशिश करनी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सर, एक्शन और पैरामीटर्स क्या है? अभी ये हम बाद में पढ़ेंगे, सही है, एक्शन और पैरामीटर्स जो है बाद में पढ़ेंगे, पैरामीटर्स बल्कि हम कोशिश करेंगे आज ही कवर करें। वेल, तो अब आप दूसरे इंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं इसको। अच्छा, जैसे ही देखो मैं सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा ट्रेनिंग स्टार्टेड। अच्छा, वो कुछ चेंज नहीं किया मैंने शायद, इसलिए ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी हम दूसरा इंटेंट बनाएंगे तो फिर होगा वो, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ चेंज करते हैं ना ट्रेनिंग फ्रेजेस में, तो वो ट्रेनिंग करता है, फिर जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती मैं टेस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा न्यू इंटेंट, और मैंने कहा भाई चेक स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस करता हूँ बल्कि उसको, चेक ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। और इसके ट्रेनिंग फ्रेजेस में क्या लिखूँ मैं, वेयर इज़ माई पिज़्ज़ा, सही है, वेयर इज़ माई ऑर्डर, हाउ मच टाइम वुड यू टेक, और हाउ लॉन्ग आई एम सपोज टू वेट, और बताओ व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, टेल मी वेट टाइम, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, कैंसिल, सही है, आई एम वेटिंग हो गया, सही है, काफ़ी है इतने ट्रेनिंग प्रेजेस। अच्छा, एक्शन पैरामीटर को छोड़ देते हैं अभी हम, और रिस्पॉन्स इसमें मुझे क्या देना है कि भाई योर पिज़्ज़ा विल बी देयर शॉर्टली, सही है, प्लीज़ वेट 5 more minutes, ठीक है। अब ये 5 more minutes में से डेटा में से आ रहा होगा, डेटा बेस में से, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मैं एक और वेरिएशन में लिख सकता हूँ, इट वॉन्ट बी लॉन्ग, इट वॉन्ट बी लॉन्ग, प्लीज़ वेट 5 more minutes, सही है, योर पिज़्ज़ा इज ऑन द वे, प्लीज़ वेट 5 more minutes, या मोर हटा देता हूँ इसमें से, प्लीज़ वेट 5 minutes, या इसमें बल्कि मैं और भी कर देता हूँ, ETA लिख देता हूँ, ETA 5 minutes, सही है। ETA ऐसे मिलिट्री में बोलते हैं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, योर या यू रिसीव योर ऑर्डर, ऑर्डर इन टी माइनस 5 minutes, ऐसे ही बोलते हैं ना, रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है ना, तो वो बोलते हैं टी माइनस 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च, नहीं लॉन्च नहीं बोलते, वो बोलते हैं इंजन इग्नाइट, इग्निशन ऑन, ऐसे करके बोलते हैं, फिर रॉकेट में से धुआं निकलता है,
फिर वो थोड़ी देर तक वो धुआं चलता है 2-3 सेकंड तक, फिर वो कहते हैं लाउंज, वो सारे हैंगर हटते हैं और रॉकेट शिप ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा ये एक फ़न का फैक्टर हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने चैट बॉट में ऑन रखें, तो ये वाला जो है ना हमने फ़न का एक फैक्टर डाला है। अच्छा, डायलॉग फ्लो में इस वक्त ये कंट्रोल मौजूद नहीं है कि पहली दफ़ा जब बंदा पूछे तो उसमें से कौन सा वाला देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला मैं पहली दफ़ा में करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, पहली दफ़ा में ये मैं सिंपल तरीके से इसको एलिगेंट तरीके से जवाब देना चाहूँगा, लेकिन जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम बंदा पूछता है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ये इस तरीके से इसको फ़न का कोई फैक्टर डालूँ या ETA ऐसे करके बोलूँ या कोई ऐसी बात बोलूँ जिससे वो थोड़ा खुश हो जाए, उसको काम डाउन करने की। तो लेकिन डायलॉग फ्लो में इस वक्त ये कंट्रोल नहीं है, वो रैंडमली कोई एक ही उठाता है इसमें से। आइडियली इसमें ये होना चाहिए था कि भाई पहली दफ़ा में यही वाला रिस्पॉन्स जाए। ठीक है, बट स्टिल डायलॉग फ्लो नहीं देता ये हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सर्वर से इसको हिट करते हैं ना तो ये हमें सारे रिस्पॉन्सेज दे देता है। जब हम इसको सर्वर से हिट करते हैं तो हमें सारे रिस्पॉन्स हमारे पास होते हैं, हम डिसाइड करते हैं, तो हम वहाँ पे ये कर सकते हैं कि शुरू के जो तीन हैं वो एलिगेंट हो, उसके बाद जो तीन हो वो फ़नी हो, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायलॉग फ्लो हमें बिल्ट इन ये चीज़ ऑफर नहीं करता है। अच्छा, इसको सेव कर देते हैं और मैं इससे बोलता हूँ भाई ऑर्डर स्टेटस, ये ट्रेनिंग क्यों नहीं चला रहा यार, या तो बहुत तेज़ चल रही है ट्रेनिंग, पता ही नहीं चल रहा मैं, क्योंकि दो ही इंटेंट है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ऑर्डर स्टेटस, तो इसने कहा योर पिज़्ज़ा विल बी देयर, वेट फॉर 5 more minutes। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ वेयर इज माई पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसने मुझे दोबारा बोल दिया कि इट वॉन्ट बी लॉन्ग 5 more minutes, तो ये मेरा दूसरा इंटेंट बनके तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा इस इंटेंट के अंदर अभी हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ इंटेंट बना रहे हैं, अभी एंटिटीज़ और फुलफिलमेंट ये दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बाकी है। तीसरा इंटेंट एक बना लेते हैं भाई हम, कंप्लेंट। सही है, अब बंदा क्या बोलेगा, आई हैव अ कंप्लेन। सही है, प्लीज नोट माई कंप्लेंट। नहीं, वो कुछ होते हैं बंदे एलिगेंट बहुत ज़्यादा। सही है, वेल प्लीज नोट डाउन माई कंप्लेंट देन, लाइक दैट वाला। वो तुमने कैरेक्टर देखा बर्लिन, मनी हाइस्ट में कैरेक्टर था बर्लिन, उसके तरह के जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट होते हैं ना, स्टाइलिश होते हैं, तो वो फिर गाली भी तो बड़ी तमीज़ से देते हैं। एक हमारे पास शाह साहब हैं, तो वो शाह साहब जो वो ख़ानदानी है बकौल उनके, तो वो बड़ी तमीज़ से हर चीज़ करते हैं। ठीक है, वो चाय पीने के आदाब उन्होंने हमें सिखाए हैं। ठीक है, कि चाय हमेशा जो वो सॉसर के ऊपर ला के देना चाहिए, मतलब बकौल उनके पठान को तमीज़ नहीं है, डायरेक्ट कट ला के दे, अभी तू कट मंगवा रहा है भाई, जो सॉसर ला के देगा तो सही है, तो वो बड़े तमीज़ वाले हैं। ठीक है, फिर गाने सुनने में उनका एक शौक है, वो कहते हैं अब तुम लोग जो सुनते हो ये शोर शराबा है, जो वो सुनते हैं वो गाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उनको जब जलील करना होता है किसी को तो वो ये नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि तू अंधा है, वो कहते हैं आप नाबीना है। तो उनको नज़र में रखते हुए। अच्छा भाई ठीक है, व्हाट द हेल, अच्छा व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस नहीं, मेरा ख्याल है बताओ और कोई जुमला बताओ। यू हैव अ बैड सर्विस। हाँ, वेरी बैड सर्विस। सही है, आई एम एंग्री, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। फीडबैक, नोट डाउन फीडबैक, आई हैव अ फीडबैक। सही है, हाँ हाँ ये तो भाई जुमले हैं,
अच्छा ये अभी सोचने का काम है, फिर जब एक्चुअल में बंदा जिससे इंटरेक्शन करता है तो ये फिर और बढ़ जाता है, फिर वो आपको ऐसे जुमले सोचने पड़ते हैं जो किसी और इंटेंट में भी ना हो और इस इंटेंट को वेल सर्व भी करें। फिर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ दो इंटेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनके इनपुट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो उनको फिर हैंडल करना वो एडवांस लेवल की चीज़ है। फिर हम उसको कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए हैंडल करते हैं कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट है तो इसका मतलब ये, अगर वो कॉन्टेक्स्ट है तो ये, कॉन्टेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, ये पूरा डिज़ाइन होता है, जैसे फ्रंट एंड हमने रिएक्ट का सीखा है ना, ये पूरा इसके अंदर उस तरह से ना सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग। अच्छा मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। अच्छा अब इसमें बंदे ने बोला कि भाई आई हैव नोटेड डाउन योर कंप्लेंट, सही है, दैट्स इट, और योर कंप्लेंट इज नोटेड। अच्छा अभी ना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बंदे ने कंप्लेन बोला या फीडबैक बोला, सही है, तो शायद मैंने यहाँ पे अभी इस चीज़ को हैंडल हम पैरामीटर्स के ज़रिए करेंगे। वेल चलो फिर मैं फ़िलहाल यहाँ पे कंप्लेन लिख देता हूँ। ठीक है, योर कंप्लेन इज़ नोटेड, सही है, दो रिस्पॉन्सेज मैंने यहाँ पे लिख के और इसको सेव कर दिया। व्हाट द हेल, सही है, इसने बोल दिया भाई योर कंप्लेंट इज़ नोटेड। अच्छा अभी देखो हर तीनों इंटेंट में आपने ये नोट किया होगा कि जब मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ कंप्लेन तो सामने से उसको पूछना चाहिए ना कि कंप्लेन है क्या, ये तो नहीं हो रहा अभी, अभी सिर्फ एक इंटेंशन पता चलती है हमें और हम उसका जवाब दे देते हैं। अगर तो किसी ने ये बोला है ना कि भाई गिव मी वाटर, तो उसका जवाब हो सकता है कि हेयर इज योर वाटर, लेकिन गिव मी पिज़्ज़ा का जवाब ये नहीं है, आई हैव अ कंप्लेन का जवाब ये नहीं है, आई हैव अ कंप्लेन का जवाब ये है कि एक इनपुट भी लेना है मेरे सामने से। जैसे फ्रंट एंड के ऊपर ये काम कैसे होता है, फॉर्म फिल करवाते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं कि दो, एक टाइटल होगा उसका, एक डिस्क्रिप्शन होगी कंप्लेन की, ठीक है, या जस्ट एक भी बॉक्स होगा एटलीस्ट कि उसमें कुछ लिख तो सके वो फीडबैक कि भाई असल में मसला क्या आ रहा है, तो वो तो हमने नहीं उससे पूछा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आता है हमारा पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स जो है ना इसके अंदर हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं यूज़र से। अच्छा पैरामीटर जो है कुछ इसमें बिल्ट इन मौजूद है टाइप्स, ठीक है, और कुछ हमें बनानी पड़ती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटिटीज, और हेयर इट कम्स द सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये सेकंड हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होगा कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा तो अभी जो हम पहले शुरू में यूज़ करना जाएंगे वो हम क्या करने जाएंगे, यूज़ जो बिल्ट इन एंटिटीज़ है वो हम यूज़ करने जाएंगे। तो वापस हम चलते हैं अपने शुरू वाले इंटेंट में जो हमारा क्या था, ऑर्डर था। ठीक है, अब ऑर्डर में बंदा बोलता है यार आई वॉन्ट पिज़्ज़ा, तो मुझे उससे क्या पूछना पड़ेगा, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि हाउ मैनी पिज़्ज़ा, सही है, तो मैं पहले उससे पूछता हूँ कि यार हाउ मैनी पिज़्ज़ा। अच्छा लेकिन मुझे इसको ना पता है कैसे करना पड़ेगा, मुझे जवाब पहले सोचना पड़ेगा इसका कि बंदा क्या बोलेगा। अच्छा इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो सिचुएशन ये होगी बंदा बोलेगा आई वॉन्ट पिज़्ज़ा और हम उससे पलट के पूछेंगे, एक ये हो सकता है कि बंदा डायरेक्ट बोलेगा आई वॉन्ट 5 पिज़्ज़ा, तो मुझे पहले एक जो सिंगल जुमले में जो बात हो रही है ना उसको हैंडल करना है मुझे पहले। ठीक है, कि बंदे ने अगर डायरेक्ट ये पैरामीटर दे दिया तो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा आई वॉन्ट 5 पिज़्ज़ा, ठीक है, एंटर। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा देखो डायलॉग फ्लो ने ना ऑटोमेटिकली इसको एंटिटी कंसिडर कर लिया कि ये एक नंबर ही होगा, यहाँ पे एंटिटी होगा एक, सही है। अच्छा एक नंबर का मतलब है कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा ये हो गया, अब हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको ये बोलते हैं, यहाँ देखो अब यहाँ पे ना एक्शन एंड पैरामीटर क्या हो गया, यहाँ पे एक एंटिटी आ गई है, सही है। अच्छा ये एक्शन अब हम यूज़ नहीं करते लेकिन ये नीचे पैरामीटर जस्ट हम यूज़ करते हैं, ये एक्शन जो है वो पहले पता लगाने के लिए कि कौन सा इंटेंट है, सर्वर पे इस एक्शन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम इंटेंट नेम से उसको पता लगाते हैं, सही है, तो इसलिए एक्शन अब यूज़ नहीं होता।
अच्छा अब हमारे पास क्या आ चुका है, एक अदद ये यहाँ पे पैरामीटर आ चुका है और उस पैरामीटर की एंटिटी जो है वो सिस्टम डॉट नंबर है। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार क्या नंबर ऑफ पिज़्ज़ा क्वांटिटी क्यू टी वाई, सही है, इसका पैरामीटर का नाम है, सही है, क्योंकि जो नाम यहाँ रखूँगा मैं उसी नाम से बाद में उसको मैं गेट कर रहा हूँ। मैंने कहा इसका नाम नंबर नहीं है, इसका नाम क्वांटिटी है और इसकी टाइप नंबर है, एंटिटी इसका नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा और मैं साथ साथ क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है कि अगर ये पैरामीटर नहीं, अगर तो बंदे ने एक जुमले में बोल दिया तब तो ठीक है मिल जाएगा ये, अगर बंदे ने ये बात नहीं बोली, बंदे ने बोला जस्ट आई वांट पिज़्ज़ा बोला, तो ये एंटिटी मुझे चाहिए, मेरी ये पैरामीटर चाहिए मुझे। अब रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही देखो रिक्वायर्ड पे मैं चेक लगाता हूँ ना, लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा प्रॉम्प्ट्स कि अगर बंदे ने नहीं ये दिया मुझे और इंटेंट हिट, तो मैं प्रॉम्प्ट करूँ उससे, पलट के पूछूँ मैं कि भाई कितना पिज़्ज़ा, तो मैं प्रॉम्प्ट्स पे जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं है। अच्छा अगर मैं ये नहीं प्रॉम्प्ट लगाता हूँ ना तो वो मुझसे क्या बोलेगा, बोलेगा व्हाट इज़ क्यू टी वाई, डिफ़ॉल्ट पे वो ये बोल रहा होता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम उसको प्रॉपर एक बात बताएंगे, हम पूछेंगे कि यार हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव, सही है, क्वेश्चन मार्क, या हाउ मैनी एक बोल दूंगा मैं जस्ट, सही है, और बस काफ़ी है दो मेरे ख्याल, ठीक है, ये इसमें से भी वेरिएशन करके लाएगा वो, रैंडमली दो में से कभी भी कोई एक भी ले आएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और अब देखो ये क्या बोलेगा मुझे, जब मैं बोलूँगा ना कि भाई प्लीज़ गिव मी टू पिज़्ज़ा, ठीक है, एंटर, तो इसको वो क्योंकि पैरामीटर मिल गया है, अच्छा ये मुझे ना वेरिएशन ये बतानी पड़ेगी उसको, ठीक है, वेल इसको नहीं समझ आया ये। अच्छा नहीं समझ आने के केस में देखो क्या हुआ है, पैरामीटर क्यू टी वाई है और उसकी वैल्यू इसको पता नहीं चली है अभी तक, ठीक है, सेंटिमेंट मुझे बता रहा है कि भाई जीरो जीरो है, जीरो जीरो का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, तो हाउ मैनी पूछ रहा है तो फिर इसको बता देते हैं कि फाइव, फाइव नहीं इसको कोई दूसरा नंबर बोलते हैं, सेवन पिज़्ज़ा, ठीक है, सेवन पिज़्ज़ा। अब इसको यहाँ पे पता चलता है जैसे ही, तो इसकी क्वांटिटी फुलफिल हो जाती है, इसको पता चल जाता है अच्छा यार सेवन की बात हो रही है, ठीक है, और इस दफ़ा स्कोर थोड़ा सा वो आया 0.2 आया। अच्छा वेल अब मुझे जवाब में यहाँ पर इसको ये बोलना चाहिए कि जाहिर है जो सवाल बंदे ने पूछा था वो जवाब वैसा ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे कहना चाहिए कि हेयर इज़ योर फाइव पिज़्ज़ा, जो भी उसने बंदे ने बोला था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू करके ना ऐसे डॉलर क्यू टी वाई लिखा हुआ है, तो ऐसे करके ना मैं रिस्पॉन्स में इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा हेयर इज, हेयर इज डॉलर क्यू टी वाई पिज़्ज़ा फॉर यू, सही है, इन्जॉय, ठीक है, हेयर इज फाइव पिज़्ज़ा फॉर यू, हेयर इज आई थिंक बेहतर वर्ड, क्योंकि वन पे भी चल जाएगा और टू पे भी चल जाएगा, आर जो है ना फिर वन पे नहीं चलेगा, सही है। अच्छा स्टिल ये वाली चीज़ें डायलॉग फ्लो ऑफर नहीं करता कि अगर ये वन है तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट जुमला लगाऊँ, अगर टू है तो एक डिफरेंट, बट ये स्टिल मैं क्योंकि सर्वर को मिडिल मैन रखूँगा, मैं मेरी रिक्वेस्ट सर्वर से होके जाएगी और जब डायलॉग फ्लो रिस्पॉन्स करेगा तो भी सर्वर से होके वो जाएगा, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ स्टिल, ठीक है। मैं यहाँ पे चार पांच रिस्पॉन्सेज बना दूँगा और हर रिस्पॉन्स में ये लगा दूँगा, अच्छा शुरू वाला तीन ये है फिर ये तीन ये ऐसे करके, या समटाइम मैं ये रिस्पॉन्स लिखता ही नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्स सर्वर पर लिख लेता हूँ अपने पास ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पर, और वहीं पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि कौन से पे क्या करना है। अच्छा तो अभी मैं इसको सेव करूँगा ना, तो अभी जो भी मैं नंबर बोलूँगा वो क्या होगा यहाँ पे वो भी आ रहा होगा, ठीक है, गिव मी थ्री पिज़्ज़ा एंटर, ठीक है, अब इसको समझ आ गया पहली दफ़ा में ही, हेयर इज़ थ्री पिज़्ज़ा फॉर यू, और यहाँ पे पैरामीटर में थ्री इसने पकड़ दिया। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह करके मैं क्या क्या बात इनपुट ले सकता हूँ, एक तो नंबर हो गया, ठीक है, नंबर के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें ले सकता हूँ, मैं इसे एंटिटी पे जब क्लिक करूँगा ना समटाइम ये गलत भी पकड़ देता है, मिसाल के तौर पे मुझे नंबर तो था लेकिन मुझे टेम्परेचर था नंबर में,
कि कितने डिग्री में सेट करूँ या कितने डिग्री ठंडी आइसक्रीम चाहिए आप, इस तरह की कोई बात। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, इनपुट ले सकता हूँ। ड्यूरेशन, ठीक है कि भाई फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट मुझे ये ड्यूरेशन में देगा, ड्यूरेशन में और टाइम में फ़र्क होता है। अच्छा, फिर यूनिट एरिया नेम, यूनिट लेंथ नेम, डेट पीरियड, यानी डेट पीरियड का मतलब है कि फॉर 3 डेज या 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अगर कोई बोलता है तो वो डेट पीरियड कहलाएगा। जियो सिटी, जीबी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जितने सिटीज़ हैं उसकी बात हो रही है। वेट, यूनिट वेट जो होते हैं केजी, पाउंड, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर ऑर्डिनल होता है, यानी नंबर भी एक ऐसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक बोलते हैं 1 2 3, तो ये दोनों होता है अलग अलग, ऑर्डिनल होता है और कार्डिनल ऐसे करके कुछ होता है। करेंसी का नाम कोई लेना चाह रहा हूँ मैं इनपुट, मिसाल के तौर पर कोई करेंसी कन्वर्टर है, मैं कह रहा हूँ यार कि प्लीज़ कन्वर्ट माई अमाउंट इन डॉलर, तो डॉलर की जगह पे मैं ये करेंसी का नेम पकड़ूंगा कि भाई किस में कन्वर्ट करना है। सही है, इसी तरीके से ये नंबर आ गया। अच्छा, हमारे केस में हमें नंबर नहीं चाहिए, सही है। नंबर की भी 3-4 तरह की किस्में होती हैं, हमें चाहिए इंटीजर। इसमें एक इंटीजर आ रहा होगा, नंबर इंटीजर हमें ये चाहिए हमें, क्योंकि नंबर में वो पॉइंट वाले भी पकड़ता है, इंटीजर में पॉइंट वाले नहीं होते, 1 2 3 4 होता है। तो हमें एक्चुअल में इंटीजर इसमें चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी 1.5 नहीं होगी, क्वांटिटी इंटीजर में होगी। इसी तरह एज होगा जो वो इंटीजर में होगा, लेकिन अमाउंट पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, या किसी का वेट है वो पॉइंट में भी हो सकता है। इसी तरीके से जो अगर किसी इवेंट में बंदों की काउंटिंग है तो वो इंटीजर होगी, ये 1.5 नहीं होता, बंदा एक पूरा होता है या नहीं होता है। तो ये क्वांटिटी में मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, नंबर इंटीजर चाहिए। अच्छा, इसकी अगर मुझे तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहते हैं सिस्टम एंटिटीज़, ये पहले से बनी हुई एंटिटीज़ है। अच्छा, ऑब्वियसली पहले से बनी हुई एंटिटीज़ में मुझे तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये तो 5 पिज़्ज़ा तो मैंने इससे पूछ लिया, अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, साइज़ कौन सा या फ्लेवर, कोई भी दोनों में से हो सकता है। अब फ्लेवर मेरे पास, मेरी दुकान में 4 फ्लेवर हैं, तो सिस्टम डॉट पिज़्ज़ा फ्लेवर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सिस्टम डॉट पिज़्ज़ा फ्लेवर हुआ भी तो फिर दुनिया में जितने तरह के फ्लेवर होंगे वो सब होंगे उसमें, मुझे मेरे पास तो सारे नहीं हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अपनी खुद की एंटिटी तैयार करूँगा, ठीक है। वो खुद की एंटिटी अभी हम देखते हैं वो कैसे तैयार होती है। तो ये समझ आ गया यहाँ तक का कि भाई ये एंटिटी बन रही है और उस एंटिटी में एक पैरामीटर मैंने इनपुट ले लिया। अब वो एक पैरामीटर अगर उसको पहले ही जुमले में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है पहली दफ़ा में उसको तो वो पलट के सवाल पूछेगा, वो प्रॉम्प्ट्स, वो सवाल जो मैंने बनाया। अच्छा देखो, अभी इसको ट्रेनिंग कर रहा था, घूम रहा था, जैसे ही हाथ किया मैंने रुक गया हूँ, ठीक है। एजेंट ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी कुछ सेव करोगे आप तो ट्रेनिंग चलते चलते में वो काम नहीं करता, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद फिर वो काम करता। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, देखो एंटिटीज़ में, एंटिटीज़ पर गया, ठीक है। सिस्टम एंटिटी भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है और एक कस्टम एंटिटी लिखा हुआ रहा है, ठीक है। सिस्टम एंटिटी में देखो यहाँ पे एक आ रहा है नंबर डॉट इंटीजर, ठीक है, जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वो वाला आ रहा है, ठीक है। ये मेरी ऐप में इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी वो हम छोड़ देते हैं, हम कस्टम पे आ जाते हैं कि खुद की एंटिटी बनेगी कैसे। मैं कहता हूँ क्रिएट एंटिटी, क्रिएट एंटिटी पे इसका मैं नाम लिखूँगा। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पिज़्ज़ा साइज़, सही है। तो मैं बोल दूँगा पिज़्ज़ा साइज़, ठीक है। अच्छा, पिज़्ज़ा साइज़ बोलने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा क्लिक, मैंने कहा लार्ज, ठीक है, मीडियम, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे भी लिख सकता हूँ मैं, एक ही बात है, ठीक है। जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सीक्वेंस में लिखें, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है यहाँ पर। अच्छा, लार्ज तो मैंने बता दिया, लेकिन लार्ज को कोई बंदा कुछ और भी बोल सकता है, मिसाल के तौर पर बिग बोल सकता है, सही है। तो मैं यहाँ पे जितने भी इसके पॉसिबल सिनोनियम्स हैं वो सब लिख दूंगा, ठीक है। एंटर सिनोनियम, बताओ और क्या हो सकता है, फुल साइज, सही है, एक्सेल भी हमारा लार्ज ही है, सही है, एक्सेल,
सही है, जंबो ये नहीं, जंबो वंबो कुछ भी बोल रहा है हम उसको समझेंगे लार्ज ही है, सही है। तो सिनोनियम का मतलब ये इंचेस के अंदर, हाँ इंचेस में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कोई कहेगा कि 9 इंच, सही है, इमेजिन कर रहे हैं हम कि हमारा लार्ज जो है 9 इंच का, चलो थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, 9 इंच बहुत कम हो जाएगा, ठीक है 16 इंच, 9 इंच का तो मीडियम पिज़्ज़ा होता है ना, 8 इंच का 9 इंच का होता है मीडियम आमतौर पर। अच्छा तो 16 इंच लिख दिया मैंने, और कोई सिनोनियम ऐसा, बिगेस्ट, सही है, बिगेस्ट बोलेगा तो हम समझेंगे कि वो सबसे बड़े वाले की बात कर रहे हो, सही है। स्टैंडर्ड, मीडियम को स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, सही है, रेगुलर, नॉर्मल, 8 इंच बिल्कुल, क्योंकि 16 इंच वो है, एवरेज, एवरेज, सिंगल सर्विंग, सही है, सिंगल सर्विंग पिज़्ज़ा, एक बंदे की सर्विंग, मीडियम वैसे सिंगल सर्विंग ही होता है लेकिन सिंगल सर्विंग से थोड़ा ज़्यादा होता है। स्मॉल पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल काफ़ी कर लिया हमने, स्मॉल को स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इनमें से कुछ, अब ये डिपेंड करता है मेरे बिजनेस लॉजिक पे, डिपेंड करता है कि मेरे बिजनेस में क्या स्मॉलेस्ट का मतलब यही होता है, अगर यही होता है तो ठीक है, हो सकता है स्मॉलेस्ट को मैं इसमें शामिल ना करना चाहूँ, हो सकता है मैं स्मॉलेस्ट की अलग कैटेगरी बना के ये बोलना चाहूँ कि स्मॉलेस्ट नहीं है भाई, स्मॉल है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक पर डिपेंड करता है, और जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करना है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वेल स्मॉलेस्ट आगे भाई, पैन साइज, पैन पिज़्ज़ा, सही है, सिर्फ पैन भी एक लिख देता हूँ, 6 इंच, सही है, 6 इंच का रखते हैं हम, चलो पैन पिज़्ज़ा 6 इंच है हमारा। इकॉनमी, इकॉनमी और इनमें, इनका जो अपोजिट होता है उसमें से भी कोई कर सकते हैं, बिग का तो हमने कर दिया स्मॉल, लार्ज का भी स्मॉल ही होता है, चीप, चीपेस्ट, सही है, इकोनॉमी चीप, चीपेस्ट को हमने ये वाला बोला है। अच्छा इकोनॉमी का ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इकोनॉमी स्मॉल में लिखूं, समटाइम असल में एक चीज़ होती है वैल्यू टू मनी, तो कुछ बिजनेसेस ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो बेस्ट डील है वो क्या है, इकॉनमी हमारी जो है ना इकॉनमी की बेस्ट डील जो क्या है, हो सकता है वो मीडियम हो, सही है, वैसे तो मीडियम आमतौर पर प्राइस लेडर को चढ़ाने के लिए होता है, प्राइस लेडर पता है ना क्या होगा, हाँ ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब 14 प्रो मैक्स होता है, ठीक है, तो एक 3 साइजेस होते हैं, एक 10 का होता है छोटा वाला, बड़ा वाला 20 का होता है, तो उसका मीडियम 15 का होना चाहिए ना, 15 का नहीं रखते वो, रखते हैं 17 का, ठीक है। अच्छा और माल उसमें 15 जितना ही होता है, 17 वाला रखते हैं उसको ना, थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, तो उससे वो असल में होता क्या है, इसलिए कि भाई अगर जैसे फ्राइज़ आमतौर पर मैकडोनल्ड की फ़्राइज़ में वो एग्जैक्ट यही करते हैं कि वो छोटी फ्राइज़ की जो प्राइस अगर 10 है तो, और बड़े की 20 है, तो मीडियम की वो 17 रखते हैं, 15 नहीं रखते, माल उसमें 15 जितना ही होता है, ताकि बंदा जब हल्का सा भी कंपैरिजन करे ना तो वो बोले यार स्मॉल में तो कम होता है, मज़ा नहीं आएगा, कम होता है, पैसे भी लग जाएंगे, पेड़ भी नहीं भरेगा, बंदा बोलेगा चल यार मीडियम ले लेता हूँ। अब जब वो मीडियम देखेगा ना, भाई यार ये तो 15 की जगह 17 का है, इसमें तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें तो नुकसान है, तो बंदा बोलेगा कि चलो यार लार्ज लो, समझ रहे हो, तो वो चढ़ाने के लिए होता है ऊपर। तो आमतौर पर तो मीडियम प्राइस लेडर के तौर पर होता है हमेशा, ये सारे बिजनेस जो भी थोड़ा सा भी समझदार है वो ये कर रहा है, ठीक है, और बस सही है, उन्होंने प्राइसिंग सेट की हुई है अपनी। अच्छा लेकिन कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि यार हमारा बेस्ट जो डील है ना, जो इकोनॉमी डील है, वो हमारी लार्ज वाली है, बता देते हैं, लिखा हुआ होता है उन्होंने कि भाई बेस्ट इकोनॉमिक डील है ये,
या इकोनॉमिक डील में कोई उन्होंने अलग से कोई डील बनाई होती है कि भाई 5 बंदों की इकोनॉमी डील है सबसे, इसमें बचत हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप इसका सिनोनियम सेट कर लेंगे, जो भी आपका बिजनेस केस है, जो भी बिजनेस लॉजिक है आपकी। अच्छा, इसको कर दिया मैंने सेव, ठीक है। इसमें प्राइसिंग भी हो सकती है, प्राइसिंग बोले तो स्मॉल इतने का लगा लेते हैं। हाँ कर सकते हैं, सही कह रहा है। इसमें प्राइसिंग भी होता है कि भाई 20 वाला दे दो, फ्राइज अगर कोई ले रहा है तो कहते हैं ना 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला, ऐसे होता है ना। इसमें नीचे जो चिप्स वाला खड़ा हुआ यहाँ, उसके बाद ये थोड़ी है लार्ज मीडियम, वो कहता है भाई कितने का, 30 का, 40 का, 50 का, ऐसे बोलता है। तो वो भी उसमें हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के क्या बिजनेस है। अच्छा, तो मैं वापस न्यू ऑर्डर में जाता हूँ, और न्यू ऑर्डर में जाके मैं बोलता हूँ यहाँ पे जैसे ही सिनोनियम में अब मैं लिखूँगा ना स्मॉल, तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा कि ये एक एंटिटी है। नहीं करेगा तो हम करवा देंगे डिटेक्ट, सही है। मैंने कहा भाई गिव मी स्मॉल पिज़्ज़ा, पकड़ा इसने, नहीं पकड़ा, पकड़वा देते हैं हम, क्या मसला है। अच्छा, ये कैसे होगा, पिज़्ज़ा पे आके मैं डबल क्लिक, स्मॉल पे आके मैं डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आके ना मेरे पास क्यों नहीं दिख रहा यार साइज़, हाँ आ गया। अच्छा देखो, इससे पहले ना SYS नहीं लगा हुआ, बाकियों से पहले ना SYS डॉट लगा हुआ है, ये मेरे जो कस्टम है उसमें ये नहीं लगा हुआ, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ये मेरी एंटिटी बनाई हुई। तो देखो मैंने स्मॉल सेलेक्ट किया, तो अब ऑटोमेटिकली इसको ये क्या समझ रहा है, पैरामीटर नेम पिज़्ज़ा साइज, एंटिटी पिज़्ज़ा साइज, और रिजॉल्व्ड वैल्यू, यानी इस जुमले से इसने क्या वैल्यू पकड़ी है, वो स्मॉल पकड़ी है, सही है। अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमी भी लिख दूंगा ना, अरे भाई इकोनॉमी पिज़्ज़ा लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है, और अब मैं इसको पकड़ूंगा आके साइज को, ठीक है, तो लिखा इकोनॉमी है, अबे रिजॉल्व वैल्यू भी कोई भंड है इसके अंदर बारह, ठीक है। रिजॉल्व वैल्यू बाय द वे इसकी वो होगी जो एक्चुअल वैल्यू होगी। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ, नहीं सेव क्यों कर रहा हूँ, अभी तो नीचे वो बताना है ना। अच्छा, क्या पिज़्ज़ा साइज़ क्या मैंडेटरी है, क्या रिक्वायर्ड है? ज़रूरी नहीं है कि हर पैरामीटर हमेशा रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस केस में मेरे पास ये रिक्वायर्ड है, तो मैं रिक्वायर्ड करूँगा, जाकर डिफाइन प्रॉम्प्ट बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कस्टम एंटिटी है और इसकी फिक्स पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे जो जवाब इससे लिखूँगा ना कि भाई व्हाट साइज आर यू लुकिंग फॉर, सही है। साथ में मुझे इसको हिंट्स भी देनी पड़ेंगी कि भाई वी हैव स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज, साथ में शायद मैं पैसे भी बताता चलूँ कि भाई वी हैव स्मॉल जो इतने का, मीडियम जो इतने का, और लार्ज जो इतने का, ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बेहतर ये कि मैं इसको शॉर्ट और स्वीट रखूँ। अब ये शॉर्ट और स्वीट वाला जो है ना, ये जो चैट बॉट डिज़ाइन परस्पेक्टिव है, ये इंशाल्लाह अभी अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिज़ाइन, ये हेलो वर्ल्ड कंप्लीट करके हम डिज़ाइन परस्पेक्टिव पढ़ेंगे इसका, कि यार वो क्या होता है। मतलब जैसे अभी दोस्त कह रहे थे कि इसमें तो काफ़ी सोचना पड़ रहा है जुमलों में, तो वो सोचने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो डिज़ाइनर्स हैं इस वक्त चैट बॉट की, या कन्वर्जेशनल इंटरफेस के जो डिज़ाइनर हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं यूज़र के बारे में, कि यूज़र कैसा जुमला समझता है, कैसा जुमला पसंद करता है, कैसे जुमले से भागता है, डरता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये वाली सारी जो साइंस है, ये एक अलहदा साइंस है, ये तो टूल सीख रहे हैं अभी हम। इसका डिज़ाइन परस्पेक्टिव ये है कि वो जुमले में आप बोल क्या रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसका फिर एक बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का भी एक परस्पेक्टिव है। मास कम्युनिकेशन वैसे तो एक सब्जेक्ट होता है जो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो टीवी एक्टर वैक्टर जो बनते हैं, न्यूज़ कास्टर वगैरह बनते हैं, वो उनका मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ होता है, वो बनता है, ठीक है। मीडिया साइंसेस भी आजकल कहने लगे हैं उसको ये लोग। तो वो मास कम्युनिकेशन में असल में बताते क्या हैं आपको, जो मेन उसका लुब्बे लुबाब होता है उस पूरे सब्जेक्ट का, ये होता है कि आपके मुँह से निकला हुआ जो जुमला है ना, क्योंकि वो टीवी पर नशर हो रहा है, उसको मिलियंस ऑफ पीपल तक वो पहुंच रहा है, समटाइम बिलियन में भी पहुंच रहा है। कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ है तो 8 बिलियन आबादी है, तो अगर 1 बिलियन लोगों ने उसको देख लिया उस न्यूज़ को, तो उस न्यूज़ को जो कन्वे करने वाला जो चेहरा है, और उस न्यूज़ को कन्वे करने में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ख़ास रेस को बुरा लग जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ख़ास सियासी पार्टी को वो पसंद ना आए बात, सही है। मिसाल के तौर पे
हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो ख़ास तौर पे मोहतात रहता है कि हम कोई ऐसा जुमला ना बोल जाएं जो फौज को बुरा लग जाए, ठीक है, ख़ास तौर पे मोहतात रहता है। अच्छा, इसी वजह से मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आम तौर पे जो टीवी चैनल्स हैं हमारे उसके अंदर कोई एक ऐसा सीनियर बंदा होता है जो फौजी होता है, ठीक है, रिटायर्ड फौजी वगैरह होता है, तो वो एक उन्होंने कोई बिठाया होता है, तो फौज से मुतालिक कोई भी खबर होती है तो उसको दिखा लेते हैं एक दफ़ा कि भाई देख ले एक बार, सही है। अच्छा, वैसे वो लोग मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई यहाँ पे फौज कंट्रोल करती है इसलिए फौजी बिठाया हुआ है, लेकिन असल रीज़न जो ऑफिशियल रीज़न है वो ये होता है कि उसको दिखा ले एक बार, वो फौज को जानता है, उसको पता है कि उनको क्या चीज़ पसंद आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी, क्या प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है ना, फौजी प्रोटोकॉल तो एक फौजी को ही बताऊँगे, आम बंदे को तो नहीं बताऊँगे, तो वो देख लेंगे यार किसी प्रोटोकॉल को ये वायलेट तो नहीं कर रही है न्यूज़, ये जो जुमला है क्या ये अप्रोप्रिएट जुमला है, इस जुमले से जो दूसरे मुल्कों को क्या इंप्रेशन वो लेंगे, इस तरह की बहुत सारी हज़ारों चीज़ें। नहीं, वो तो रूल, तो वो रूल ऑफ थंब बता देते हैं ना, वो असल में वो रूल ये नहीं है, जाहिर है रिपोर्टिंग तो करनी है ना भाई, मिसाल के तौर पे अगर किसी बिल्डिंग किसी जगह से फौज का काफिला गुजर रहा था, बम फट गया सारे मर गए, रिपोर्टिंग तो करनी है ना उसकी, या वो बिल्कुल ही बोलेंगे कोई नहीं मरा, ये तो नहीं कर सकते ना यार, रिपोर्टिंग भी करनी है, तो वो ये तो रूल ऑफ थंब वो बच्चों को सिखाते हैं जो इंटर्न ही होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि यार कुछ नहीं बोलना आपने चुप, लेकिन असल में तो बात ये है कि आपने ऐसे जुमले और ऐसे मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो किसी को बुरा ना लग जाए, किसी की दिलशिकनी ना हो जाए उससे, कि दिल आज़ारी ना हो जाए किसी की, ठीक है। अच्छा, ये उसकी बात नहीं है, और भी हज़ारों तरह के, मिसाल के तौर पर अभी ब्लैक लाइव मैटर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, यही है ना वो चक्कर सारा, कि किसी ने कुछ बोल दिया उनको बुरा लग गया, फिर वो मामला एस्केलेट हो गया, तो ये मसला है बहुत बड़ा एक, तो वो इस तरह से कोई भी चीज़ एस्केलेट हो जाती है, कोई ख़ास किस्म की कोई कौमें होती हैं, अब पठान बिहारी का एक मसला है बहुत बड़ा पुराना, हमारे यहाँ पे जो पंजाब चौरंगी जो नाम है वो जगह, वो कैसे बना है पंजाब चौरंगी, इसी तरह बना है कि वो पंजाबियों से किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई हो गई, फिर वो कोई आया उनके बीच में सुलह कराने के लिए, उसने कहा भाई रोड के इस तरफ आप जो है ना वो पंजाब कॉलोनी बना लो, रोड के उस तरफ आप बलोच कॉलोनी बना लो, आप अपने अपने टेरिटरीज़ में रहो, खुश रहो, सही है ना, तो ये इस मतलब इलाकों का वजूद इस तरह से हुआ है, ठीक है, तो जो ये क्या, तो ये वाला फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे पास चैट बॉट में ख़ास तौर पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ये वाला फैक्टर। अच्छा, ये फैक्टर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ हुआ है, किसी भी बुक में नहीं हुआ हुआ, ठीक है, इसके लिए आम तौर पे कंसिडर किया जाता है, अभी वो मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आज हमने हेलो वर्ल्ड कम्प्लीट करना है, तो इस पर कंसिडर किया जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखेगा ना ये कॉन्टेंट राइटर लिखेगा। अच्छा, कॉन्टेंट राइटर स्पेशली मीडिया साइंसेस का ही बंदा होता है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट होता है वो, उसकी जो फील्ड ऑफ स्टडी होती है वो मास कम्युनिकेशन होती है कंटेंट राइटर की, तो जितने भी पापड़ के थैलियों पर रैपर पे जो लिखा हुआ होता है वो एक्चुअली एक कंटेंट राइटर लिख रहा होता है, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसने ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल सेट रहे। अच्छा, फिर ना सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई वो कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सही मीनिंग कन्वे कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है जो करनी है हमें, वो भी लूज़ नहीं होना चाहिए ना कि इन्फॉर्मेशन ही कन्वे नहीं हो पा रही, पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो वो जुमला, उस जुमले का एक इम्पैक्ट हो, उस जुमले से एक यूज़र कनेक्ट कर पाए, अपने वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए, भाई मतलब पेप्सी वाले शाहिद आफरीदी को क्यों दे रहे हैं अपने एड, लोग कनेक्ट करते हैं क्रिकेट से, लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अब मुझे कोई पर्सनली क्रिकेट इतना पसंद नहीं है लेकिन लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो पेप्सी के ऐड बना रहा हो सकता है उसको भी क्रिकेट इतनी पसंद ना हो लेकिन लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपके लिखे हुए जुमले से, आपके कहे हुए जुमले से लोग कनेक्ट भी करने चाहिए, जब भी लोग पसंद करते हैं, कोई इंटरनल जोक्स भी उसमें होने चाहिए, ठीक है, अभी जैसे मैं रिसेंटली कोई वो देख रहा था रैपर कि वो कहता है वो फिल्म लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, वो पॉपकॉर्न का कोई था स्वीट पॉपकॉर्न, तो फिल्म देखते हुए आमतौर पर बंदा वो खाता है, तो उसका नाम था फिल्म तो कहीं भी लग सकती है, ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, तो ये एक्चुअल में ये स्क्रिप्ट लिखने का जो काम है ऐसा कंसिडर किया जा रहा है अभी राइट नाउ कि ये डिज़ाइनर नहीं करेगा, ये स्क्रिप्ट राइटर करेगा, यानी डिज़ाइनर बेसिक लिख देगा, वो देगा स्क्रिप्ट राइटर को, वो उसको ओवरव्यू करेगा, उसको करेक्ट करेगा, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या जो भी मास कम्युनिकेशन वाली जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनको वो सुपरवाइज करेगा, ठीक है, तो क्यों, अच्छा इसका रीज़न क्या है, मेन इसका रीज़न ये है कि ये गूगल असिस्टेंट की डिवाइसेस पे जब डिप्लॉय होगा तो
बकौल गूगल के 500 मिलियन से ज़्यादा डिवाइस इन्होंने 2018 में बेच दी थी गूगल असिस्टेंट की, ठीक है, तो वो बोल के आ रहा होता है वहाँ से जवाब। इसी तरह जो चैट बॉट होंगे उसमें आप या तो लिख के बात कर रहे होंगे या तो बोल के बात कर रहे होंगे, तो जो लिखा हुआ पढ़ना और फिर जो बोल के आता है ना, तो बोलने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है लिखे हुए से। मतलब कोई अगर गाली आपको पर्चे पर लिख के दे देना शायद आपको इतना बुरा ना लगे, लेकिन मुँह पर कोई बोल के जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई व्हाट साइज़ आर यू लुकिंग फॉर, तो इसका मैं एक और वेरिएशन बना देता हूँ, वर्ड साइज वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है, वर्ड साइज वुड यू लाइक टू ऑर्डर, वी हैव स्मॉल एंड लार्जर, फुल स्टॉप लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है जी, क्लोज, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इस जवाब के अंदर, हेयर इज योर 5 स्मॉल पिज़्ज़ा, सही है, मैंने कह दिया भाई पिज़्ज़ा साइज। अच्छा, ये जो मैं जवाब में जो सवाल बता रहा हूँ ना, सवाल जो भी मैंने पैरामीटर कलेक्ट किए हैं वो मैं जवाब में बता रहा हूँ। अच्छा, ना सिर्फ मैं ये बात जवाब में बता सकता हूँ बल्कि मैं ये मिसाल के तौर पे देखो ये प्रॉम्प्ट ना पहले पूछेगा, ये क्वांटिटी वाला ये मिल जाएगा तो ये पिज़्ज़ा साइज़ पूछेगा, तो इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा साइज़ का जब प्रॉम्प्ट चलेगा तो उसमें क्वांटिटी पता होगी मुझे, तो इसमें मैं ये बता भी सकता हूँ, सही है। इसमें मैं सवाल ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि ओके 5 पिज़्ज़ा, ओके 5 पिज़्ज़ा, टेल मी विच साइज, सही है, ऐसे करके मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, ओके 5 पिज़्ज़ा, ठीक है। क्योंकि ये जो जुमला बोलेगा ना वो एग्जैक्टली मिसाल के तौर पर बंदे ने बोला भाई गिव मी पिज़्ज़ा, तो अब उसका प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी पूछेगा कि भाई हाउ मेनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू ऑर्डर, मैंने कहा भाई 5, तो अब ये जुमला देख रहे हो जवाब बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है कि ओके 5 पिज़्ज़ा, गॉट इट, टेल मी विच साइज़, सही है, ऐसे तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है विच साइज़, और उसके बाद मैं ये वाला बता दूंगा कि वी हैव अ स्मॉल और लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है। ये हिंट मुझे हर दफ़ा देना है क्योंकि यूज़र को आमतौर पर नहीं पता होता कि यार क्या साइज़ अवेलेबल है, उसको मैं कम्प्लीटली मुझे गाइड करना होता है साथ साथ। तो अब देखो मैं क्या बोलूँगा इसको, गिव मी पिज़्ज़ा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सवाल में आप वो चीज़ इन्वॉल्व करें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो सवाल में कर क्यों रहा हूँ, सवाल में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर इस वक्त बिल्कुल नए हैं, ठीक है। मैंने कहा गिव मी पिज़्ज़ा, अब इसने पूछा है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मैंने बोल दिया कि भाई 3 पिज़्ज़ा, सही है, तो इसने बोला ओके 3 पिज़्ज़ा, टेल मी विच साइज़। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये वाला जो वेरिएशन है ना जिसमें मैंने ये 3 शामिल किया है, ये वाला वेरिएशन जब ही आता है जब ये 3 मौजूद होगा, अगर ये मौजूद नहीं है तो वो बगैर वेरिएशन मतलब बगैर इस वैल्यू वाला वो दे देगा। तो शायद इसके साथ एक ही जुमला है जो 3 के साथ है, तो इसलिए इस ये वाला फ़ौरन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होगी कि जब वो अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो उस वैल्यू के साथ जो वेरिएशन है ना वो नहीं आती, कभी भी नहीं आती, ठीक है। वरना क्या होगा, बीच में अनडिफाइन होगा, नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा बगैर उस वैल्यू के और उस वैल्यू के साथ दोनों वेरिएशन देनी होती है आपको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के केस के क्या चल रहा है। वेल, तो मशीन जो है ना वो क्या है, वो रिलेटिवली न्यू है, जो यूज़र है हमारा उसका कॉन्फिडेंस अभी मशीनों पे इतना नहीं हुआ है। मैं अगर सीधी से पूछता हूँ कि यार $34 को भाई PKR में कन्वर्ट करो, तो अब अगर उसने बोल दिया कि भाई इतने थाउजेंड पाकिस्तानी रुपीज़, अब मुझे ये लगेगा कि यार पता नहीं इसने 37 समझा है 27 समझा है, है ना। रीचेक में ऐसे पलट के शायद अगर स्क्रीन देख लूँ तो मकसद फौत हो गया चैटबॉट का, ठीक है। अब देखो ये करती क्या है, हे सीरी कन्वर्ट $37 टू पाकिस्तानी रुपीज़, बोल भाई। अच्छा, साइलेंट किया मैंने फ़ोन इसलिए नहीं बोल रही है, हे सीरी कन्वर्ट $37 टू पाकिस्तानी रुपीज़। $37 is 9,719 Pakistani rupees and 53 paise. तो इसने वो क्वेश्चन रिपीट किया, मेरा जो पैरामीटर मुझसे मिला था इसको वो रिपीट किया, जस्ट टू मेड मी श्योर कि मेरी बात ये सही समझे।
तो इस वजह से मैं जब भी पलट के कोई सवाल पूछता हूँ या मैं रिस्पॉन्स देता हूँ जब, तो उसमें मैं वो चीज़ें शामिल करता हूँ जो यूज़र ने अभी अभी बोली है, ताकि जब वो यूज़र वही बात सुने वापस से तो यूज़र को यकीन हो जाए कि मेरी बात सही कन्वे हो गई है, मशीन ने मेरी बात सही समझ ली है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो यूज़र श्योर नहीं होता कि यार पता नहीं इसको समझ आया नहीं आया, पता नहीं कुछ और ही तो नहीं समझ लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी में इसकी एक टर्म होती है कि बंदा जब ये एंशियस हो रहा होता है ना कि यार पता नहीं समझा नहीं समझा, ये अनसर्टेनिटी जो है, तो इस अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए ये मैं काम करना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन स्टिल हर दफ़ा मैं ये नहीं करूँगा, जहाँ पे ज़रूरी होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा यार ज़रूरी है उससे होगा। अच्छा, ज़रूरी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो डेवलपर हूँ, तो चैटबॉट बना के किसी आम बंदे से टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, QA एक पूरा डिपार्टमेंट होता है आमतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहाँ पर हो रही होती है, तो वो QA वाले ना फिर उसको चला के देखते हैं और फिर वो पूरी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री मुझे मिलती है। सम टाइम क्या होता है कि जब मैं बाद में इसकी ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे हिस्ट्री में वो सारे इंटरेक्शन दिख रहे होते हैं जो लोगों ने किए हुए, तो वहाँ से देख के मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे तो मुझे चाहिए ही चाहिए ये वाली चीज़। ठीक है, वहाँ से भी करता हूँ, सम टाइम कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए, जैसे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यार जैसे मैंने डॉलर का बोला उसको भी कि भाई $37 को पाकिस्तानी में करो, तो अभी 37 और 27 काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो वो 37 बोल के बता दिया तो मैं कंफर्टेबल हो गया, ठीक है भाई 37 इतना हो जाएगा। अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर दिया और मेरे पास तीसरा आइटम क्या है, तीसरी बस ये एंटिटी बना के ना, इंटेंट और एंटिटी आज हमारी हो गई है पूरी, फुलफिलमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट, बल्कि फुलफिलमेंट तो अभी हम देखेंगे ही नहीं, फुलफिलमेंट तो हम सर्वर पे जब पहुँचेंगे फिर देखेंगे, सही है, फुलफिलमेंट हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट हम डायरेक्ट पर डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। वेल, आ जाते हैं हम एंटिटी में, और एंटिटी में आके हम एक और एंटिटी बनाते हैं मज़ीद, क्लिक और पिज़्ज़ा फ्लेवर्स, फ्लेवर्स की स्पेलिंग यही होती है ना, ओ यू भी आता है, सही है, आई एम नॉट गुड विद स्पेलिंग्स। ओके, तो मैंने कहा कि यार मेरे पास ना 4 फ्लेवर रख देता हूँ शुरू में, बोलो भाई कौन कौन से, फहीता एक तो होता है सबसे पहले, फहीता और टिक्का फ्लेवर, पेपरोनी चौथा आखिरी, क्या बता रहे थे तुम, चीज़ फ्लेवर, सही है। अच्छा, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके अगर कोई वेरिएशंस हैं ठीक है तो वो भी मैं यहाँ लिखूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है इसका कोई वेरिएशन मज़ीद नहीं हो सकता। फहीता जो है, अच्छा इसको फजीता नहीं बोलते, इसको फहीता बोलते हैं, नहीं जे साइलेंट है इसका, ये असल में ये मंजन जो है ना ये रशियन वशियन है थोड़ा, पता नहीं जर्मन है रशियन है कुछ, इसका ओरिजिन जो है इटालियन है, हाँ तो वो फहीता बोलते हैं उसको, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी। ठीक है, अभी हम जो अभी वॉइस पे जब मूव करेंगे ना हम, तो गूगल असिस्टेंट फिर जब मैं बोल के बताएगा तो देखना वो फहीता बोलता है, इसी स्पेलिंग को फहीता प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये 4 हो गए और ये 4 को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अच्छा जी, और मैं वापस आऊँगा इधर और इधर आके मैं कहूँगा कि भाई न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर में जाके मैं बोलूँगा कि गिव मी क्या, फहीता पिज़्ज़ा, नहीं पकड़ा इसने फहीता है, सही है पिज़्ज़ा फ्लेवर पकड़ लिया मैंने इसको, सही है पिज़्ज़ा फ्लेवर आ गया। अच्छा अभी ना मैंने क्या किया है, मैंने इसमें गड़बड़ की है कि मैंने जो पैरामीटर के 7 वाले वेरिएशन है ना वो बहुत कम दिए मैंने। ठीक है, मिसाल के तौर पे गिव मी इकोनॉमी पिज़्ज़ा के साथ ना मुझे कम से कम 4 वेरिएशन देना है, फिर आई वांट 5 पिज़्ज़ा की भी कम से कम 4 वेरिएशन मुझे देना चाहिए असूलन। ठीक है, और गिव मी फहीता पिज़्ज़ा के भी 4 वेरिएशन कम से कम या 5 वेरिएशन मुझे देना है। अच्छा फिर मुझे 5 वेरिएशन ऐसी लिखनी है जिसमें कम से कम 2 पैरामीटर हो, एक एक का तो मैंने दे दिया पर 2 पैरामीटर वाला, कि अगर बंदा 2 बोलेगा कि भाई गिव मी 5 फहीता पिज़्ज़ा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, तो उसके होंगे फिर, क्योंकि 3 वेरिएबल है ना तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी बनेंगे उतने मुझे देने हैं इसमें, सही है। तो मतलब ए बी का एक कॉम्बिनेशन होगा, फिर बी सी का होगा और सी ए का होगा, ये सेट्स पढ़ते हैं ना मैथ में, वो असल में इसी जगह काम आने थे। ठीक है, हमें वो जो जितने भी सेट बनते हैं उस सबके मुझे वेरिएशन देना है, फिर चौथा सेट एक बनेगा ए बी और सी तीनों के साथ,
है ना, सेट्स वाले मैथ पढ़े होंगे आपने, तो हमने पहले लिखा है बगैर बगैर इनपुट पैरामीटर के, जो हमने शुरू में 5 लिख दिया था वो तो सीधा हो गया था, ठीक है, और फिर एक मुझे एक एक पैरामीटर के साथ 4 देने हैं, ठीक है, फिर दो दो पैरामीटर के साथ, यानी ए बी के 4 और बी सी के 4 और फिर सी ए के 4, और फिर मुझे ए बी सी तीनों जिसमें हो, तो वो ज़रा करते हैं, कोशिश करते हैं देने की इसको हम ए बी सी तीनों, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, गिव मी, नहीं गिव मी तो बोल चुका ना मैं, आई वुड लाइक टू हैव चीज पिज़्ज़ा, पकड़ लिया चीज़ इसने, सही है, तो इस तरह मैं 4 दूंगा कम से कम, फिर मैं बोलूँगा भाई स्मॉल चीज़ पिज़्ज़ा या लार्ज चीज़ पिज़्ज़ा, ऐसे करके मैं दूंगा इसको 4, ठीक है। अच्छा, वो स्मॉल लार्ज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसको पता है कि ये चीज़ नहीं, असल में ये वेरिएबल है यहाँ, ये बाकी के 7 का जो आइटम है ना ये वाला, ये असल में इसकी इसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई मिसाल के तौर पर अगर बंदा ये तीनों बात बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड उसमें बोल जाए जो मैच ही ना हो, फिर तो ये वाला केस है। अच्छा, अब एक मैं इसको दे देता हूँ के जो है ना तीनों पे लगा दे, वो मैंने कहा भाई प्लीज़ सेंड मी, सही है, 2, सही है, और 2 लार्ज फहीदा पिज़्ज़ा, है ना, तीनों पकड़ लिया इसने, सही है। तो अगर 3 बोलेगा बंदा तो ऐसे बोलेगा, अब देखो प्लीज़ सेंड मी आ गया, अब सेंड पहले किसी में भी नहीं आया, ठीक है, तो पूरी बात बंदा ऐसे बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा, उसकी भी 3-4 वेरिएशन। अब ये वेरिएशन ज़ाहिर है शुरू में हम जितना मर्ज़ी दे दें वो इनफ नहीं होता, वो अल्टीमेटली फिर यूज़र जब बोलता है या यूज़र के साथ जब इंटरेक्शन होता है, जब क्वालिटी टेस्टिंग के दौरान या वैसे ही हम रियल एक नॉर्मल यूज़र बिठा के टेस्टिंग, तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि अच्छा यूज़र इसको ऐसे भी बोल पा रहा है, ऐसे भी बोल पा रहा है, फिर डिफरेंट लोकेलिटी के जो बंदे हैं वो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी वोकैबलरी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, फिर इसी तरह अमेरिकन है उनकी वोकैबलरी वो होती है जो मूवीज़ में हॉलीवुड में देखते हैं, ठीक है, फिर एक इंडियन अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसकी वोकैबलरी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हम पाकिस्तानी इंडियंस ने इंग्लिश के कोर्सेज किए हुए होते हैं, तो हमें वो वोकैबलरी भी पता होती है जो अंग्रेज़ को भी नहीं पता होती, नहीं है, हम पाकिस्तानी और इंडियन हम इतनी इंग्लिश बोलते हैं ना कि फ्लफी है स्टैंड अप, हम इतनी इंग्लिश बोलते हैं जो अमेरिका और कनाडा कलेक्टिवली मिलके भी इतनी नहीं बोलते जितनी हम बोलते हैं, क्योंकि हम वो वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेज़ों को भी नहीं पता, हमने क्योंकि सीखा हुआ है, वोकैबलरी याद करवा देते हैं भाई, 2,000 वर्ड मोस्ट 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पता नहीं वो बुक्स लोगों ने लिखी हुई हैं, अब वो तो रटने के बाद फिर, अभी आज मैं एक बंदे के साथ मीटिंग कर रहा था तो उसने एक वर्ड यूज़ किया कि हे मलिक यू आर नॉट ऑडिबल, मतलब वो कहना चाह रहा था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अब ऑडिबल मतलब समझ तो गया मैं फ़ौरन, लेकिन ये वर्ड आमतौर पर यूज़ नहीं होता, अंग्रेज़ यूज़ नहीं करता कभी भी ये वर्ड, ठीक है, तो ये मैंने एक इंडियन के मुँह से सुना यू आर नॉट ऑडिबल, तो वेल तो हम ये वोकैबलरी डिफरेंट लोकेलिटी के हिसाब से भी वो अलग तरीके से फिर बात होती है, तो मैं अभी यहाँ पे रह के मैं मेरी लोकेलिटी को टारगेट कर रहा हूँ, ब्रिटिश कैसे बोलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, जैसे अगर जो बहुत ज़्यादा तमीज़ वाले बंदे होते हैं ना वो हाउ आर यू नहीं बोलते, वो बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, और जो जवाब देने वाला है अगर वो भी तमीज़ वाला हो तो वो बोलता है आई एम डूइंग फाइन, तो आई एम फाइन भी बोल सकता है, अमेरिकन होगा कोई टीनेजर होगा स्कूल का हाई स्कूल का वो बोलेगा फाइन, एरोगेंट होगा, ठीक है, वो जस्ट फाइन पर गुजारा करेगा, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल होगा तो बोलेगा आई एम फाइन, बहुत तमीज़ वाला होगा तो बोलेगा आई एम डूइंग फाइन, समझ रहे, तो ये इतने सारी लोकेलिटी को हम खुद से टारगेट कभी भी नहीं कर सकते, ये अल्टीमेटली यूज़र ही हमें बताता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है और वो क्या बोलेगा। सेव कर दिया मैंने इसको, अब इसको अच्छा बाय द वे अगर मैं ये नहीं भी देता ना इसको तो एक ही जुमले में तीनों बात बोलता ये समझता उसको, राइट, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, समझेगा उसको, बट वेरिएशन दे देने से क्या होता है कि मेक श्योर करते हैं कि हाँ यार उसको अगर नहीं भी पता चला है तो ये देख के पता चल जाए, तो मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा कि भाई प्लीज़ ऑर्डर 3 स्मॉल टिक्का फ्लेवर पिज़्ज़ा, सही है, लेट्स सी ये क्या होता है, सही है, इसको पता चल गया तीनों,
ये तीनों बात पता चल गई, लेकिन मेरे जवाब में हेयर इज़ योर थ्री स्मॉल पिज़्ज़ा तो आ रहा है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं मैंने जवाब में ऐड किया अभी तक ना। अच्छा फ्लेवर भी रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली, तो फ्लेवर पे आऊँगा मैं, यहाँ पे चेक लगाऊँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई वर्ड फ्लेवर, वर्ड फ्लेवर वी हैव टिक्का, विच होगा या वॉट होगा, मेरा ख्याल है वॉट होगा, FLAVOR UR नहीं होगा भाई, एरर दे रहा है इसमें, सिर्फ आर है, ओ आर होता है, देखो आप तुमने वहाँ पे गलत करवा दिया ना भाई, मुझे तो पता है कि मेरी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। तो खैर हो गई, वो नाम वैसे किसी को दिखेगा नहीं, ये नाम इधर ही रहेगा। अच्छा वी हैव टिक्का और क्या था हमारा, और चीज़ फहीता एंड लास्ट पेपरोनी, पेपरोनी भी पता नहीं पी ई पी होता है, क्या होता है भाई, डबल पी होता है, सही है। ये बस मैंने एक इसको बता दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब लास्ट में मैं रिस्पांस में भी इसको बता देता हूँ कि भाई हेयर इज़ योर फाइव स्मॉल पेपरोनी पिज़्ज़ा, सही है, सेट हो गया, सेव। अब मैं इसको यही वाली बात जब बोलूँगा तो अब जवाब में भी क्या आना चाहिए, ठीक है, टिक्का पिज़्ज़ा बोला था मैंने तो टिक्का पिज़्ज़ा इसको समझ आ गया, सही है जी। तो ये हमारा क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, एक हमारे इंटेंट कंप्लीट हो गया, इंटेंट हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया, वेरिएशंस देख लिए, ट्रेनिंग फ्रेजेस, अच्छा फिर उसके बाद हमने एंटिटी, सिस्टम एंटिटी को भी चलाकर देख लिया और कस्टम एंटिटी खुद की भी हमने बनाकर देख ली है, सही है। अच्छा अब हमारे पास तीसरा जो है ना फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ये होगा कि फुलफिलमेंट के बारे में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो करेगा क्या और वो चलेगा कैसे। देखो यहाँ से मैंने बोला ना कि भाई ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक है, ऑर्डर, अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी, ठीक है, अभी तक ये सर्वर पर नहीं गया रिक्वेस्ट, मैंने कहा फाइव, ओके फाइव पिज़्ज़ा, टेल मी विच साइज, मैंने कहा लार्ज, अब लार्ज लिख के जैसे ही एंटर करूँगा ना तो तीसरा पैरामीटर इसको मिल जाएगा। अच्छा मैं अगर मिसाल के तौर पर लार्ज ना लिखूँ, कुछ ऐसे अम्बो जम्बो लिख दूँ मैं तो क्या होगा, ये पूछेगा कि भाई अभी नहीं मिला मुझे, सही है, इसको वो पैरामीटर ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो फिर खड़ा रहेगा यहाँ पर, ये अटका रहेगा इधर, ये आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से, ये कहेगा भाई ओके फाइव पिज़्ज़ा टेल मी विच साइज़। अच्छा अब क्योंकि अब वेरिएशन एक है ना इसकी, फाइव के साथ एक ही, तो इसलिए एक ला रहा है, वरना वो बदल बदल के लाता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही अब फाइव लिखूंगा और दूंगा इसको, तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसको ये तीनों पैरामीटर मिल गए, अगर तो अभी तक फुलफिलमेंट नहीं, डायरेक्ट रिस्पांस मुझे दे देता है। वंस मैं फुलफिलमेंट लगा देता हूँ तो डायलॉग फ्लो के अंदर जो रिस्पांस लगा हुआ है ना वो इररेलीवेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इररेलीवेंट हो जाता है। अच्छा सम टाइम रेलीवेंट रहता है, ये दोनों सिचुएशन बता देता हूँ। नंबर एक तो इसमें सिचुएशन ये होगी कि ये सारे फाइव लिखा एंटर किया मैंने, ये सारे पैरामीटर लेगा सर्वर पर जाएगा, एक रिक्वेस्ट लगेगी सर्वर पे। अब सर्वर पे जैसे एक नॉर्मल रिक्वेस्ट आती है जो रिएक्ट से हम भेजते हैं, उसी तरह एक नॉर्मल पोस्ट की रिक्वेस्ट पहुंचेगी सर्वर पे, उसमें ये सारे पैरामीटर्स होंगे और इंटेंट का नाम होगा, मैं कहूँगा ऑर्डर पिज़्ज़ा, ये तीन पैरामीटर हैं, मैं डेटाबेस में ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, कर सकता हूँ मैं बिल्कुल, ये अगर इस तरह सा सीन हो जाए तो ऑर्डर प्लेस जब मेरा डेटाबेस में हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नीचे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में एक अच्छा सा प्यारा सा रिस्पॉन्स बनाऊँगा और वो भेजूंगा और वो लिखेगा यहाँ पे रिस्पांस, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, जस्ट डेटाबेस में सेव कर दूँ और वहाँ से कोई रिस्पांस ना बताऊँ, तो फिर ये वाला ही दिख जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इररेलीवेंट नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि वो रिस्पांस मेरा बहुत डायनेमिक होता है, मिसाल के तौर पर डायनेमिक रिस्पांस कब हो सकता है कि भाई मैंने डेटाबेस में डेटा सेव किया, अब उसके बाद मैं सर्वर से मुझे वेट टाइम इशू हो रहा है, कोई एल्गोरिथम है वो देखता है अभी क्या लाइन है, क्या कस्टमर है, और एक वेट टाइम इशू करता है कि भाई इस ऑर्डर के लिए 7.5 मिनट वेट होगा। अब मैं वो रिस्पांस में जाहिर है वो 7.5 मिनट डालने हैं मैंने, तो मैं ये डायलॉग फ्लो वाला रिस्पांस तो नहीं पकड़ सकता, तो मुझे सर्वर वाला रिस्पांस अच्छा सा जुमला बनाऊंगा मैं वहाँ से और वो बना के भेजूंगा, वो डिस्प्ले होगा यूज़र को। सम केसेस में ये होता है कि भाई जैसे कंप्लेन नोट हो रही है तो भाई नोटेड, तो इसमें मुझे कोई ऐसा फैंसी रिस्पांस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायलॉग फ्लो में लिखा हुआ रिस्पांस भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसका सिंपल सा तरीका है, सर्वर से मैंने कुछ अगर रिस्पांस नहीं भेजा तो वो ये वाला उठा लेगा, ठीक, और अगर सर्वर से मैंने रिस्पांस भेज दिया तो वो उठा लेगा।
अच्छा आमतौर पे फिर हम क्या करते हैं, क्यों, अब जैसे कि आपको पता चल गया कि ये रिस्पांस ना फॉल बैक में चला जाएगा, फिर ये जो रिस्पांस है ये फॉल बैक में चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंटेंट जहाँ पे मैं सर्वर से रिस्पांस ला रहा होता हूँ, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखता हूँ उसमें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं समथिंग वेंट रॉन्ग। कि मिसाल के तौर पर अगर रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, फेल हो गई रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये फॉल बैक में, जब जब डायलॉग फ्लो वाला रिस्पॉन्स फॉल बैक में काउंट होता है, तो इसमें मैं लिखता हूँ कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, या इस तरह की कोई बात लिखता हूँ, ठीक है। और अदरवाइज अगर यही वाला रिस्पॉन्स दिखाना है तो प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा इंटेंट और एंटिटी पूरा हो गया। फुलफिलमेंट का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि फुलफिलमेंट क्या है। एक अब ये जो फुलफिलमेंट यहाँ नीचे है ना लिखा हुआ, इसको मैं जब इनेबल करूँगा फुलफिलमेंट को, तो ये क्या कर रहा है, इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, सही है। तो जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो क्या करेगा, जब सारे पैरामीटर्स को मिल जाएंगे ना, तो एक URL इसको मैं सेटिंग में जाके मुझे बताना होता है, वो URL पे ये भेज देगा पूरा उठा के, तो दैट इज़ फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट के अंदर से जब मैं रिस्पॉन्स भेजूँगा ना, तो अब उसकी पूरी एक लंबी कहानी है कि रिस्पॉन्स में मैं टेक्स्ट भी भेज सकता हूँ, इमेज भी भेज सकता हूँ, और भी बहुत कुछ है उसके अंदर, तो वो पूरा एक सेक्शन होगा, उसकी हम पूरी अलग से क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको एक बुक अगर बता पाऊँ, मैं वो ढूंढता हूँ, अगर मेरे पास अगर वो हो बुक मौजूद तो मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट आप वो पढ़ कर। हाँ वो अभी तो बेसिक हमने हेलो वर्ल्ड किया ना, तो इसमें एक था कन्वर्सेशनल डिज़ाइन, यार अभी इतनी सारी बुक्स में अभी ढूंढूंगा कैसे मैं इसको, चलो थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। डीप लर्निंग डॉकर अच्छा, इसको मुझे ना लिस्ट व्यू में करना पड़ेगा शायद। ओहो आइकन, ताकि ना मुझे ग्लिम्स में दिखे वो, लिस्ट व्यू ही बेहतर होगा, लिस्ट व्यू ताकि मुझे नाम पूरा तो दिखे एटलीस्ट। कैनवस iOS जावास्क्रिप्ट फॉर प्रोफेशनल, jQuery, Kotlin। नहीं सारी नहीं पढ़ी कुछ, हाँ ये आ गया ना वॉइस एप्लीकेशंस, ये रहा V5, ये वॉइस एप्लीकेशन वाली जो बुक है ना, असल में ये अलेक्सा की बुक है, सही है। अच्छा इसमें अलेक्सा पूरा इन्होंने कवर किया हुआ, यही सारी चीज़ें जो इंटेंट, इंटेंशन, फुलफिलमेंट, ये सारी। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने ये डिस्कस किया हुआ कि डिज़ाइनिंग अ वॉइस इंटरफेस, ठीक है। असल में इसको जो शुरू के 3 चैप्टर हैं वो सारा ना बातें हुई भी हैं सिर्फ, और यही वाली बातें, तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव जो है ना इसका सारा का सारा, कि VUI की फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है, VUI को प्लान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये chapter 2 छोड़ देना, chapter 1 इसका, ठीक है, ये भी एनाटोमी है सारी, लेकिन ये अलेक्सा स्पेसिफिक है chapter 1, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन के व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट, तो ये व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट, डिज़ाइनिंग वॉइस UI। अब ये एनाटोमी जो है ये क्या है, अलेक्सा स्पेसिफिक है, कि अलेक्सा में जब बंदा बोलता है तो वो जाता है तो उसमें कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। अच्छा फुलफिलमेंट कोड इन ऑल टुगेदर, अच्छा तो chapter 1 का 1.1 और 1.2 ये दोनों पढ़ना है आपने, सही है, उसके बाद chapter 2 छोड़ देना। chapter 3 को जो है ना ये VUI फंडामेंटल्स, और इसके अंदर और क्या है, ये रहा क्वालिटी, क्वान्टिटी, रिलेशन एंड मैनर, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है जो किसी बड़े फिलोसोफर ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट कोई फिलोसोफर था, उसने ये रूल बनाया है, तो ये रूल ज़रा थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लेना, ताकि हम कल जब इस पर डिस्कशन करें तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है। प्लानिंग VUI ऑप्शनल है, वैरायटी भी ऑप्शनल है।
अच्छा, ये वैरायटी में वो वेरिएशन की बात करेगा कि वो चार अलग अलग रिस्पॉन्सेज जो है ना उसकी बात करेगा, ठीक है। बाकी ये फिर नीचे अलेक्सा स्पेसिफिक है बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, समझ आ गया। ये बात रिकॉर्ड भी हो गई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो वो आपको वहाँ से देख लीजिएगा अगर आप भूल जाएंगे क्या चीज़ है। अच्छा, ये वाली बुक मैं आपको जो है ना भेज देता हूँ। हाँ गिटहब में डाल दूँ? असल में यार ये पेड बुक है, तो वो पब्लिक रिपोजिटरी है ना हमारी जो गिटहब वाली है। वैसे ये इंटरनेट पे अवेलेबल है ये बुक, ऐसा नहीं है कि कोई वो आप मतलब पायरेटेड डाउनलोड करनी हो तो आप कर लीजिएगा वो, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल के लिए जो है ना नहीं डाल रहा उस पर। ये मैं इसको अपने फ़ोन पे सेंड करता हूँ और फ़ोन से जो है ना फिर मैं आपको फाइल्स क्या था आपका यार चैटबॉट क्या था सैलानी चैटबॉट बैश 2 सही है ना। ये मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो है वो भेज दिए ये बुक, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक काम और भी कीजिएगा, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने बनवाया आज, कोशिश कीजिएगा ये सब आप लोग एक दफ़ा अपने हाथ से बना लें, क्योंकि जब आप ये अपने हाथ से बनाएंगे, अच्छा जाहिर है एक घंटे की क्लास में मैं एक सर्टन चीज़ें ही डिस्कवर करवा पाया हूँ आपको, इसमें छोटी 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 और भी डिटेल्स हैं, वो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगी। तो कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा इसको अपने हाथ से भी कर लें आप, ठीक है जी। चले फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।